permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their fat or weight issues. So weight management with Kumbha, the right way, freedom from restrictive diet plans. So what you'll hear in today's, what you learn in today's webinar? What is fat? Why the body creates fat? शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा. आप कभी वेट लॉस के लिए जाते हैं तो रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, टेम्पररीली ठीक हो जाता है, बट अगेन यू कम बैक और मे बी योर वेट हैज इंक्रीज्ड इवन मोर. सो व्हाई द बॉडी क्रिएट्स फैट, अ न्यू वे टू लुक एट वेट मैनेजमेंट. व्हाट इज कुंभक, व्हाई अ नीड फॉर कुंभक, हाउ कुंभक वर्क्स ऑन द बॉडी. So let's hear from Swami Raj Vibhuji what exactly he has to say about weight management and his perspective about how the human body works. Thank you so much for listening to me patiently. I'll just brief you as to how we are going to proceed in the webinar. Iske baad aap sunenge the recorded video of Swami ji about Ameda Shleshma Shuddhi. Uske baad we will be having the live video of some past participants of Ameda. Of course, then we'll have the program details. And last but not the least, we will be taking up your questions in the limited time, as many as possible. So quickly likh dale aapke questions, what all are you facing in regard to weight? Or any kind of problems that you are facing post surgery, metabolism issues, after menopause, all these will be taken care of in Ameda. Thank you so much. Namaste. Over to Anil ji to share the video. Weight loss. पहली बात तो लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ लिटिल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. हाँ, वेट जो हम केवल कह देते हैं ना, केवल इसको बहुत वेट कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा जब हम बोलते हैं तो वेट लॉस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, केवल एक ही पार्ट है. अच्छा, मैं आपको एक बड़े सिंपल तरीके से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझिए. मेनी ऑफ यू वुड हैव मेड उपमा. उपमा बनाया होगा ना आपने, तो ऐसा कीजिए कि कढ़ाई में सूजी डालो, पानी डालो, ठीक है, और उसको मिलाने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो. नहीं मिल रहा. क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि कुछ मिस कर रहे हैं हम. क्या मिस कर रहे हैं? अरे आग तो जलाया नहीं हमने. क्या मिस कर रहे हैं? आग तो जलाया नहीं. और उसमें खूब सारी चीजें डालने की कोशिश, हेल्दी उपमा बनाएंगे, हाँ, खूब सारे वेजिटेबल डाल देंगे और पता नहीं क्या क्या डाल देंगे, मगर आप आग नहीं जलाएंगे तो उपमा नहीं बनने वाला. टेक इट एज अ गारंटी, पक्का गारंटी ले लो, ठीक है. सो व्हाट आर वी मिसिंग? अपने शरीर में भी यही चीज मिस कर रहे हैं. जैसे बाहर होता है ना, वैसे ही हमारे शरीर में भी होता है. ये पार्ट ही मिस कर गए. और आपको मालूम है, उपमा अगर आप पहाड़ में ऊपर जाके, बहुत प्रेशर कम हो जहां पे बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा नहीं, बड़ा तब भी मुश्किल है, आग जलाने के बाद भी नहीं बनेगा. तो दो चीजें जो हम मिस कर रहे हैं, टू पॉइंट्स दैट वी आर मिसिंग इज प्रेशर एंड टेम्परेचर. और इसका ख्याल पूरे के पूरे मेडिकल साइंस में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. वो मटेरियल तो के ऊपर तो रिसर्च करते हैं, केमिकल के ऊपर, केमिकल रिएक्शन के ऊपर रिसर्च करते हैं, केमिकल कंपोजिशन के ऊपर रिसर्च करते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि आपके शरीर में कुछ भी डाल दीजिए, जब तक बाकी दो फैक्टर जिसको आयुर्वेद में पित्त और वात कहते हैं, जिस देखिए मटेरियल केवल जो होता है ना उसको श्लेष्म कहते हैं. आप मटेरियल डालते हैं, भोजन डालते हैं, दैट इज श्लेष्मा.
लेकिन इस्तेमाल कैसे होगा? इस्तेमाल करने की क्षमता अलग अलग है हर एक इंसान की, है कि नहीं? लेकिन हम हर एक को वही मल्टीविटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन डाल के ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मगर आज तक कोई ठीक हुआ बताइए? पिछले 100 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, लेट्स टेक 100 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। कौन सा इंसान है जो कि अपने डिजीज से बाहर आ गया कुछ डाल के? डायबिटीज ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया, कौन सी बीमारी ठीक हो गई? कोई भी बीमारी ठीक नहीं हुई। इतना सारा विटामिन खाने के बाद में सारी जनता हेल्दी हो गई क्या? तो कौन सी डिजीज, कौन सी बीमारी कम हो गई हमारी पॉपुलेशन में? कोई भी कम नहीं हुआ, सब बढ़ गया। अच्छा, यहां तक कि कैल्शियम खा रहे हैं खूब, लेकिन कैल्शियम की कमी होती जा रही है। एक इंसान बता दीजिए, टेल मी वन पर्सन इन द वर्ल्ड बाय टेकिंग इन कैल्शियम इसकी हड्डियां मजबूत हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया। गिव मी वन एग्जांपल, व्हाट आर वी मिसिंग? हाँ, पूरा का पूरा मेडिकल साइंस कुछ मिस कर गया जो कि हमारे पौराणिक ज्ञान परंपरा में था, लेकिन उसको हमने वैल्यू नहीं दिया। हम तीन में बात करते हैं, है ना? तीन में बात करते हैं ना, वात पित्त कफ। हम तीन में बात करते हैं। हम कैसे बात करते हैं? ओजस, तेजस, वर्चस। हम तीन में बात करते हैं। हम बात करते हैं त्रिशूल, तीन तरीके के पेन। हम तीन में बात करते हैं। जब तक आप तीन में बात नहीं करेंगे, आप पूरी बात नहीं कर पाएंगे। तो केवल मटेरियल को लेके अगर आप बात करेंगे कि भाई मल्टीविटामिन खा लो हेल्दी हो जाओ, तो आज तक तो कोई हेल्दी नहीं हुआ। मल्टीविटामिन खा के कैंसर के एपिसोड बढ़ गए। कैल्शियम खा के ब्रेस्ट कैंसर का चांस 200% बढ़ जाता है, मालूम है आपको? तो अच्छा, प्रोटीन खाओ खूब, है ना? ये भी खा लो, वो भी, लाल भी खा लो, पीला भी खा लो, हरा भी खा लो, लालच है बस। कोई ये देख नहीं रहा कि आपका वो जो खा रहे हैं वो सही में यूज होगा आपके शरीर में कि नहीं होगा। आदत ऐसी अगर हमने रख ली कि घर में सारा सामान ले आओ मगर इस्तेमाल नहीं हो रहा, और उसको कोने कोने में ठूस के रखा हुआ है, तो गंदगी बढ़ेगी बस। तो इस मानसिकता से भी निकलना पड़ेगा, और ये ना सोचें कि आज तक जितना हुआ वो सही हुआ, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि जितना ज्ञान हमारे पास में आया उससे इंसानियत की हेल्थ बढ़ी। ऐसा एक भी प्रूफ नहीं आ रहा। हेल्थ खराब हो गई ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। पहले गांव में बीमारी होती थी सभी गांव वालों को हो जाती थी, आजकल पूरी दुनिया को हो जाती है। जिस इंफेक्शन के बारे में हम बात करते हैं वो भी ठीक नहीं होता, रेजिस्टेंस बढ़ गया, दवाइयां काम नहीं करती शरीर पर। आज एक भी इंसान दुनिया में ऐसा मिलना ढूंढने पे मिलेगा जो कि बिल्कुल उम्र भी हो गई और हेल्थ भी है, बहुत मुश्किल से मिलेगा। दिया लेके ढूंढना पड़ेगा दिन में। तो प्रूफ ही नहीं है कि हम लोग सही रास्ते पे, एक प्रूफ नहीं है। आपको मालूम है पिछले 100 साल में हमने 80%, 80% जीवन को पृथ्वी से एक्सटिंक्ट कर दिया, खत्म कर दिया। 80% ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैज गॉन एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। एक जीवन बिल्कुल खत्म क्यों हो जाए? व्हाई अ लाइफ विल इट गेट एक्सटिंक्ट? क्यों चला जाएगा? क्योंकि रिस्क बढ़ गया उसकी लाइफ पे, तभी जाएगा। हाँ या ना, यस और नो? इफ वी इंक्रीज द रिस्क देन ओनली अ लाइफ विल गो ऑफ। तो एक अंदाजा के हिसाब से अगर आपको बताऊं, जस्ट फॉर एज एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग इट, नॉट एन एक्यूरेट पिक्चर, बट अंदाजा लगाते हैं कि वॉट काइंड ऑफ रिस्क वी वुड हैव इंक्रीज इन द लास्ट 100 ईयर्स। वी हैव इंक्रीज द रिस्क बाय अ प्रोपोर्शन, बाय एन अमाउंट ऑफ 8,000%, 8,000% रिस्क हमने बढ़ा दिया।
Tell me one thing more. Have we increased the risk mitigating capacity of this body? क्या हमने रिस्क बढ़ाया तो रिस्क झेलने की क्षमता बढ़ाई अपनी? क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क, द कैपेसिटी ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क. एलोपैथी में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है. दे हैव अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी. एलोपैथी केवल इम्यूनिटी की बात करता है और वो बहुत छोटा पक्ष है. देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिस्क मिटिगेटिंग कैपेसिटी इन आयुर्वेद. आयुर्वेद में ये कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज नोन एज व्याधि क्षमत्वम. और व्याधि क्षमत्व, क्षमत्व कहां से आया? वेर हैज दिस क्षमत्व? क्षमत्व मीन्स क्षमता, कैपेसिटी. व्याधि मीन्स डिविएशन. सो टू बेयर द डिविएशन, दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी, किसी भी व्याधि को, परेशानी को झेलने की क्षमता. तो अगर हमने रिस्क बढ़ा दिया तो रिस्क को झेलने की क्षमता तो बढ़ाना चाहिए ना. इतने ज्ञानी होने के बाद भी हमने ये काम नहीं किया, क्योंकि हम ज्ञानी थे ही नहीं. वी वर नेवर इंटेलिजेंट. सो आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से शुरू किया, सिंपल तरीके से आई विल टॉक अबाउट व्याधि क्षमत्व. तो व्हेन यू ईट समथिंग, जब आप कुछ लेते हैं, द बॉडी हैज अ कैपेसिटी टू यूटिलाइज इट. उसकी एक क्षमता होती है उसको इस्तेमाल करने की. अगर इफ द बॉडी यूजेस दैट मटीरियल और श्लेष्मा टू इंक्रीज लाइफ सस्टेनिंग एस्पेक्ट, जीवन को निर्वाह करने की चीजों को बढ़ाने में अगर शरीर को उसको इस्तेमाल करता है तो उसे शुद्धि कहते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी डोंट हैव एक्यूरेट ट्रांसलेशन ऑफ थिंग्स. सो डोंट टेक थिंग्स एंड ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. शुद्धि इज नॉट प्योरिफिकेशन. तो तीन चीजें समझ, देखिए तीन चीजें. अधि, अधि से शुरू. समाधि, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ, हर्ड दिस वर्ड समाधि. द सेकेंड वर्ड इज शुद्धि एंड द थर्ड वर्ड इज व्याधि. ठीक है, सम अधि, शुभ अधि. शुभ अधि इज शुद्धि और व्याधि अधि, व्याधि इज व्याधि. शुद्धि का ऑपोजिट व्याधि होता है, व्याधि का ऑपोजिट शुद्धि होता है. राइट. सो संस्कृत, व्हेन यू से संस्कृत वर्ड्स, प्लीज डोंट ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश. इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना तो उसका मीनिंग खत्म हो जाएगा. तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी का सही तरीके से इस्तेमाल, इफ यू आर एबल टू यूज समथिंग टू सस्टेन लाइफ प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड ए शुद्धि. उसको शुद्धि कहा जाता है. सो व्हेन यू अप्लाई द राइट काइंड ऑफ टेम्परेचर एंड द राइट काइंड ऑफ प्रेशर, वॉटर एंड रवा बिकम्स उपमा, दैट इज कॉल्ड ए शुद्धि. समझ में आया? बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप सोल्यूशन मिलेगा. देखिए, ज्ञान तो आप बहुत सारा यूट्यूब और गूगल में देख लेंगे, मगर सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा ना. इंसान हेल्दी तो नहीं हो रहा ना. तो कितना भी ज्ञान कर लो, हेल्दी नहीं हुआ तो ज्ञान बेकार का. अगर उपमा नहीं बना तो वो ज्ञान बेकार का. राइट. सो वॉट इज शुद्धि? शुद्धि वेन यू यूज समथिंग फॉर इनहेंसिंग लाइफ, जीवन को बढ़ाने के लिए जब कोई चीज इस्तेमाल होती है तब उसे शुद्धि कहते हैं. नहीं तो जीवन को कम करने के लिए होता है, डिविएशन होता है, तो उसे व्याधि कहते हैं, डिजीज कहते हैं. तो डिजीज कैसे होगा? डिजीज कैसे होगा? जब आपकी कैपेसिटी नहीं होगी यूटिलाइज करने की. इफ यू आर कैपेसिटी टू यूटिलाइज मटीरियल इज नॉट देयर, देन यू आर इन अ डिजीज. हाँ, सिंपल. आगे चलते हैं. देन हु शुड बी एबल टू यूटिलाइज थिंग्स प्रॉपरली इन द बॉडी? एवरीबॉडी ना, हर एक को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो और कौन कौन को चाहिए? सपोज सपोज यू हैव गॉट इन टू अ डिजीज एपिसोड. आपको बड़ा गहरा इंफेक्शन लगा और आप रिकवर कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा चाहिए नहीं है श्लेष्म शुद्धि?
सो यू हैव गॉन थ्रू एन ऑपरेशन, सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ या इंजरी हुआ, तो आपको श्लेष्म शुद्धि चाहिए, व्याधि क्षमत्व चाहिए, रिहैबिलिटेशन के लिए आपको व्याधि क्षमत्व चाहिए, ये प्रोग्राम चाहिए। रिहैबिलिटेशन करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम चाहिए, और डी एडिक्शन करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ सम काइंड ऑफ एडिक्शन, यू नीड व्याधि क्षमत्व और श्लेष्म शुद्धि, उस समय भी आपको चाहिए। डिटॉक्स करना चाहते हैं अपने बॉडी का, बॉडी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए? श्लेष्म शुद्धि और व्याधि क्षमत्व। तो स्कोप ऑफ दिस प्रोग्राम इज बिग, इट्स अ बिगर अम्ब्रेला, एंड वेट मैनेजमेंट इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। वेट मैनेजमेंट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, और दूसरी चीज इसके बाद में और थोड़ी सी बात करते हैं, देन विल टॉक अबाउट हाउ वी गो अबाउट डूइंग इट, इसको हम कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। इफ यू वी आर सेइंग वी हैव इंक्रीज द रिस्क ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी और एनी काइंड ऑफ लाइफ, लाइफ पे हमने रिस्क बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? राइट, सो नेचुरली देर इज अ बैलेंस ऑफ मेनी थिंग्स विथ मटीरियल प्रेशर टेम्परेचर विच क्रिएट्स लाइफ, है ना? वातावरण में भी टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन है एक तरीके से, तो एक तरीके की लाइफ हो रही है वहां पे, ऐसा है ना? इफ वी डिविएट दिस बैलेंस, अगर इस बैलेंस को थोड़ा बहुत डिविएट करते हैं हम, देन वी क्रिएट रिस्क। सो हैव वी पोल्यूटेड द एनवायरमेंट, क्या एनवायरमेंट पोल्यूट कर दिया हमने? सो वी हैव क्रिएटेड रिस्क ऑन अस, अपने ऊपर रिस्क कर दिया, क्रिएट किया कि नहीं? सो वी हैव वी चेंज द कॉम्पोजिशन द रिसोर्सेस ऑफ दिस एनवायरमेंट, इसमें से पानी आप देखो आसपास में, जस्ट लुक अराउंड हाउ मेनी प्लेसेस वेयर यू फाइंड पॉन्ड्स रिवर्स लेक ताल तालाब सरोवर, कहां गए हमारे? नहीं है। जमीन के नीचे पानी कहां है? फ्रॉम 50 फीट टू 5000 फीट डाउन, दूर चला गया पानी, है ना? जो जिस तरीके के जीव जंतु होने चाहिए हमारे आसपास में, नहीं है। हमारे शरीर को हवा लगनी चाहिए, नहीं, हमने बंद कर दिया उसको, कंडीशनड एनवायरनमेंट में रहते हैं। सो वी हैव क्रिएटेड रिस्क बाय चेंजिंग द एनवायरनमेंट और कंडीशनिंग, क्रिएटिंग कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट। एक रिस्क, पहला रिस्क हमने ये किया। द सेकंड रिस्क इन द बॉडी, शरीर के अंदर रिस्क किया। सो योर बॉडी इज डिजाइंड फॉर यूटिलाइजिंग नेचुरल फूड, भोजन को इस्तेमाल करने के लिए आपका शरीर बना हुआ है। ऑल द केमिकल कंपोजिशन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो कुछ भी हॉर्मोन्स एंजाइम्स है ना, एंड और जितने फंक्शन होते हैं इसके, जितने भी केमिकल कंपोजिशन है, वो सब किस चीज के लिए? फूड को यूटिलाइज करने, टू यूटिलाइज फूड, इज इट, भोजन को इस्तेमाल करने के लिए है कि नहीं है? सपोज कीजिए आप इसके अंदर भोजन के अलावा कुछ और डाल देते हैं, यू पुट समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम फूड, विल यू क्रिएट रिस्क? क्या आप रिस्क बढ़ा देंगे? आप एक दवाई खा लेते हो, केमिकल दवाई, तो क्या आप रिस्क बढ़ाएंगे कि नहीं इस शरीर के अंदर? द मोमेंट यू पुट समथिंग विच इज नॉट योर फूड, जब भी कोई चीज आप इस शरीर में डालते हैं जो भोजन नहीं है, आप गड़बड़ करते हैं ना, आप रिस्क बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, और वो वेट के साथ में रिलेटेड हुए एग्जाम्पल देंगे, विल है ना, विल यूज एडिपोज और फैट एज एन एग्जाम्पल। सो फैट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ वॉट यू ऑल्सो कॉल एज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जिसे हम जानते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीजें जो डालते हैं। डू यू नो कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोलेस्ट्रॉल सबसे बढ़िया चीज है। अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि योर ब्रेन, योर बॉडी एंड ब्रेन, स्पेशली योर ब्रेन डजंट ट्रस्ट यू, ये आपको भरोसा नहीं करता, और ये अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है। अच्छा, 90% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज मेड बाय योर बॉडी,
कोलेस्ट्रॉल बाहर से आप देंगे ना तो शरीर नहीं लेगा, वो अपना बनाएगा। तो बाहर से आप जो उसको कह रहे हैं फैट दे रहे हो, वो उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करता, हमेशा बनाता है। और ब्रेन इज मेजरली कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, रिस्क आपके शरीर में जब भी बॉडी को कम करना होगा तो वो एक हार्मोन बनाएगा, उसका नाम है कॉर्टिसोल। और वो कहां से बनाएगा? व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉर्टिसोल? इट इज कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। सो जब भी रिस्क बढ़ाएंगे आप, तो आपका बॉडी कॉर्टिसोल ज्यादा बनाएगा। यस और नो? योर बॉडी इज अ लिविंग एंटिटी। जब भी आप शरीर का रिस्क बनाएंगे तो वो रिस्क को कम करने के लिए कॉर्टिसोल बनाएगा। तो क्या बढ़ाएगा वो अपने शरीर में? कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना गलत है या अच्छा है? अच्छा है। गलत कैसे हो सकता है? अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम कर देंगे तो आप शरीर को रिस्क ठीक नहीं करने देंगे, रिस्क को मिटिगेट नहीं करने देंगे, दैट इज क्रिमिनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू रिड्यूस द रिस्क, द बॉडी विल नॉट मेक कोलेस्ट्रॉल, यस और नो? बट इफ यू इंक्रीज द रिस्क एंड डू नॉट अलाउ द बॉडी टू इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, यू आर डूइंग अ क्राइम अपॉन योर बॉडी। आप क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो। नाउ गिविंग मोर एग्जाम्पल अराउंड इट, थोड़ा और एग्जाम्पल दूं कि हम कैसे एक क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी को लेके। सो हाउ डज योर बॉडी मिटिगेट इन्फेक्शन? इन्फेक्शन को कैसे ठीक करता है आपका शरीर? मेनी ऑफ यू माइट हैव गॉट इनटू कोरोना, यस और नो? और वायर, सम काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन यू मस्ट हैव गॉट इनटू, है ना? वायरल इन्फेक्शन तो हुआ होगा सबको। What is the first thing that happens in your body? What is the first thing that happens in your body? Fever, temperature rise, yes or no? Fever होता है ना? So, किसी भी infection को खत्म करने का तरीका क्या है body का? What is the way of this human body to mitigate infection? Temperature, rise of temperature, temperature बढ़ाना। मगर आप नहीं बढ़ने देते ना? आप क्या करते हैं? You take in a dolo, क्रोसिन, पैरासिटामोल। आप बढ़ने नहीं देंगे, आप इसको कहेंगे नहीं 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 तुम्हारा काम नहीं है, यू डोंट टेक केयर ऑफ द इन्फेक्शन, वी विल टेक केयर ऑफ द इन्फेक्शन। आप नहीं बढ़ने देते ना? दिस इज, देखिए हम क्रिमिनल काम कैसे कैसे कर रहे हैं, हाउ वी आर डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी अपॉन दिस बॉडी, राइट? सो नाउ सेकेंड थिंग, उल्टी होता है तो फिर उल्टी बंद कर देंगे, है ना? दस्त होगा तो दस्त बंद कर देंगे। कोई भी काम इस शरीर को नहीं करने देंगे। सो हाउ विल दिस बॉडी मिटिगेट द रिस्क? उस रिस्क को कम कैसे करेगा जब आप इसे करने नहीं देंगे? तो व्हाट विल इट डू? ये क्या करेगा? जो आप नहीं कर सकते उस तरफ में अपना रिस्क मिटिगेट करेगा। इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज ऑफ फैट, इंक्रीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इंक्रीज ऑफ एडिपोज टिश्यू। वो अपना भोजन कलेक्ट करने लग जाता है कि भाई जरूरत पड़ गई तो। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने, यू मस्ट हैव थॉट ऑफ दिस इन अ डिफरेंट टर्म। मैं आपको बिल्कुल अलग रास्ता दिखा रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कहां जा रहे हैं। सो प्लीज होल्ड फॉर सम टाइम, आई विल टेल यू आप क्या कर रहे हैं इसके साथ में और क्यों वेट बढ़ रहा है और ऐसे कैसे आसानी से कम हो जाएगा। हाउ विल यू रिड्यूस इट, ये भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत तरीके से कैसे हो जाएगा, एंड अ लिटिल बिट अबाउट द प्रोग्राम ऑल्सो। सो व्हेन यू डू नॉट अलाउ दिस बॉडी टू डू समथिंग, द रिस्क ऑफ दिस बॉडी इंक्रीजेस, यस और नो? अगर आप शरीर को कोई काम नहीं करने देना चाहेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा ना, इसका रिस्क बढ़ जाएगा। देन व्हाट विल इट डू? इट विल गो इनटू अ सर्वाइवल मोड। ये सर्वाइवल मोड में अपने को जिंदा रखने की कोशिश में और आगे जाएगा। सो वो सर्वाइवल के लिए, व्हाट इज द सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी? सो देयर इज अ कोर, एक दो दो चीजें हैं आपके शरीर के अंदर। सर्वाइवल का जो काम करता है ना, वो काम करता है, इसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है ना? एड्रीनल ग्लैंड,
आपके किडनी के ऊपर दो छोटे ग्लैंड है, ये सर्वाइवल का काम करते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं? ये स्टीरॉइड्स निकालते हैं, ठीक है, ये स्टीरॉइड्स निकालते हैं। अब देखो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं ताकि पता चले कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू मैनेज डिजीज, हम डिजीज कोई भी तरीके का क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे। तो देर इज अ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस, आपका पीछे का मगज है ना, छोटा छोटा पीछे हाइंड ब्रेन, छोटा ब्रेन है, और जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर का हिस्सा, वहां पे हाइपोथैलेमस एक जगह होती है। ये ना आपके पूरे शरीर को का सीईओ है, एक तरीके से मैनेजर है, हेड है, यही बताता है कि क्या करना चाहिए शरीर में, क्या नहीं करना चाहिए, यह बताता है। तो जब आप रिस्क बढ़ा देते हैं अपने शरीर का, तो एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसे कहते हैं एड्रिनल ओवर एक्टिविटी। एड्रीनल ओवर एक्टिविटी शुरू होता है आपके शरीर में, ठीक है। अब ये एड्रीनल ओवर एक्टिविटी कई तरीके से होता है, जैसे कि आपने दर्द के लिए दवाई खाई होगी ना, तो वो दवाई दो तरीके की होती है। एक को कहते हैं NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, और दूसरे को कहते हैं स्टीरॉइड्स। ये दो तरीके की चीजें आपको खिलाई जाती है। जब भी कोई चीज हाथ से बाहर हो जाता है, आपको दर्द की दवाई सबने खाया होगा ना, दे आर प्रोस्टा, उनको प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर कहते हैं, और दूसरा स्टेरॉयड। जब हाथ से काम निकल जाता है तो आजकल हर चीज में स्टेरॉयड दिया जाता है, ठीक है। ये दो चीजें जब भी आप बाहर से देंगे तो आपका एड्रिनल एक्टिविटी गड़बड़ होता है, यानी रिस्क झेलने की क्षमता शरीर की खराब हो जाती है। पहली बात क्या बताया आपको, पहली बात क्या बताया आपको कि जब आप छेड़छाड़ करेंगे शरीर के बैलेंस के साथ में, कोई केमिकल डालेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, कभी रोकेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या बताया, जो रिस्क को ठीक करने का मैकेनिज्म है शरीर का, उसको भी काम नहीं करने देते, उसकी क्षमता भी ठीक नहीं है, तो क्या होगा, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगी। अब ये चीज आप हर जगह पे देख सकते हो कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रॉनिक डिजीज बढ़ रहा है, यानी इंफेक्शन वाली बात हम साइड में रखते हैं, अब क्या बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, अब क्या बढ़ रहा है, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर बढ़ रहा है, थायराइड इज इंक्रीजिंग, कैंसर बढ़ रहा है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो हमने इसी को कहते हैं कि अगर रिस्क बढ़ाया और रिस्क झेलने की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, तो सारी दुनिया बीमार पड़ेगी, और आप देख लीजिए केवल टाइम की बात है, आज कोई बीमार नहीं है तो कल को होने ही वाले हैं। तो आपने एनवायरमेंटल रिस्क बढ़ा दिया, इंटरनल रिस्क बढ़ा दिया बॉडी का, ये दोनों बढ़ा दिया, अब इसको काम नहीं करने दे रहे, तो आप केवल वेट कीजिए, आपको मल्टीपल डिजीज होने वाला है, ठीक है। आप केवल वेट करना और कुछ नहीं करना, अभी देखेंगे ये एक डिजीज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से आगे चलेगा ना। बॉडी एक और काम कर रहा है रिस्क को मिटिगेट करने का, क्यों, कह वो सोच रहा है बाकी तो ये काम करने नहीं दे रहे, तो क्यों ना अपना भोजन मटेरियल तो इकट्ठा कर लो, ताकि कभी काम करने दे तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं। वही फैट है आपके शरीर, वही फैटी फैटी लिवर के बारे में एक और बात बता देता हूं कि व्हेन यू पुट इन अ केमिकल इन योर बॉडी, इट क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन। केमिकल ही अपने आप में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, यानी कि अगर आप स्किन पे थोड़ा सा केमिकल डाल दो तो जलन होगी ना, दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो आपके लिवर में जब ये जाता है तो उसको भी इन्फ्लेमेशन होता है। थोड़ा फैट लगा दीजिए, पुट अ लिटिल फैट लिटिल घी, इन्फ्लेमेशन विल गो डाउन, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, जलन कम हो जाएगी। तो लिवर भी तो बेचारा फैट इकट्ठा करके इन्फ्लेमेशन कम कर रहा, आप वो भी नहीं करने देंगे, यू विल टेक सम काइंड ऑफ अ स्टैटिन। तो प्लीज देखिए, मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं द काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट वी आर डूइंग अपॉन दिस बॉडी। और ये बॉडी फिर केवल अपने को बचाने के लिए फैट एक्यूमुलेशन, एडिपोज, इंक्रीज ऑफ एडिपोसाइट्स, इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, केवल यही कर पा रहा है, ठीक है। अब इसको दूसरा ट्विस्ट देते हैं, थोड़ा सा बताया मैंने, ये बहुत डायर, बहुत खराब सिचुएशन है, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये आप समझें कि वी आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट वन और टू थिंग्स, वी आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन आर करंट अप्रोच टू हेल्थ एंड डिजीज।
जो अभी हमारा हेल्थ और डिजीज के लिए अप्रोच है ना, उसमें बहुत सारे मिसिंग पार्ट्स हैं, और ये सारी दुनिया बीमार हो जाएगी अगर आज हमने अपना पर्सपेक्टिव नहीं बदला तो। सो लेट्स गेट बैक टू वेयर आई स्टार्टेड विथ। मैंने शुरुआत कहां से किया था? श्लेष्म शुद्धि, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वॉट एवर यू पुट इन योर बॉडी एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वॉट एवर इज देयर इन द बॉडी एज अ स्टॉक, एज अ रिजर्व। हाँ, इसको कैसे हम देख सकते हैं, इसको कैसे हम ठीक करें। अच्छा, इसके पहले एक और चीज मैं बता दूं, शुड आई टेल यू वन मोर थिंग? हाउ डू यू मिटिगेट द रिस्क? अपने शरीर पे कोई रिस्क अगर आपको आता है तो हाउ डू यू मिटिगेट द रिस्क, कैसे आप उस रिस्क से बचाते हैं अपने आप को? जरा एक्सपेरिमेंट करें, करके देखें, आप ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर सकते हैं। टेल समबडी टू हिट यू हार्ड, किसी को बोलिए कि आपको थोड़ा जोर से मारे, मुक्का मारे, तो आपको वो मुक्का जो है, वो जो हिट लगेगा आपको, दैट इज अ रिस्क, वो रिस्क है ना। सो हाउ डू यू, व्हाट डू यू डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इट? उससे बचने के लिए आप करते क्या? क्या आप अपने शरीर को टाइट कर लेते हैं? डू यू टेंस योर बॉडी टू मिटिगेट द रिस्क? क्या आप टाइट कर लेते हैं उससे बचने के लिए? और टाइट करने के लिए आप क्या करना, व्हाट डू यू डू टू टेंस योर बॉडी? यू होल्ड योर ब्रेथ एंड टेंस योर बॉडी, यस और नो? आप सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने शरीर को, ताकि आपको वो जो चोट है वो कम लगे, हाँ या ना? तो हाउ डू यू मिटिगेट द एक्सटर्नल रिस्क? बाय होल्डिंग द ब्रेथ। एक और एग्जाम्पल लें, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सो यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, आप एक बहुत डरावनी सी मूवी देख रहे हैं, एंड सडनली अ वेरी हॉरर सीन इज अबाउट टू कम, एक ना बहुत खतरनाक सीन आने वाला है, आपको पता, अंदाजा लग जाता है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? आपकी सांस रुकती है, आप सांस रोक लेते हैं और देखते नहीं वहां पे, ऐसे आंख के आगे हाथ रख के सांस रोक लेते हैं, यस और नो? यस और नो? अच्छा, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई कीप ऑन गिविंग यू एग्जाम्पल्स, लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, ये ना सोचें कि जो कहीं जाके जिसने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो समझदार है। नहीं, पढ़े लिखे लोग इतने समझदार नहीं होते। दिस इज अ रिसर्च ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, 25 साल की एजुकेशन में 70% इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है, तो आप लोग ज्यादा समझदार हैं, ठीक है ना? तो और एग्जाम्पल लेते हैं, यू मस्ट हैव टेकन सम इंजेक्शन, इंजेक्शन लिया होगा कभी ना कभी, इंजेक्शन लगाया ना आपको, और आप देख रहे हैं और वो डॉक्टर इंजेक्शन देने वाला है, और फिर वो मतलब सुई अंदर जाने वाली है, उस समय क्या होता है? व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस? सांस रोक लेते हैं। ये आपने शायद ऑब्जर्व नहीं किया होगा, मगर आप देखेंगे कि आप सांस रोक लेते हैं। यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो? यू होल्ड योर ब्रेथ, है ना? घबरा गए, बहुत घबरा जाते हैं कभी। हाँ, एंजाइटी हैपन्स, डू यू नो योर ब्रेथ गेट्स हेल्ड, सांस रुकती है। बहुत खतरनाक न्यूज सुना आपने, कहीं से बहुत खराब समाचार आ गया, आपकी सांस रुकने लग जाती है, आप रोते हैं जब, उस समय आपका गला भर जाता है, आपकी सांस रुकने लग जाती है। इतने सारे इंसिडेंट्स, रिस्क मिटिगेटिंग इंसिडेंट्स आपने देखे अपने लाइफ में, यू हैव सीन इन लाइफ। हाउ डू यू मिटिगेट दैट रिस्क? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ एवरी टाइम इट हैपेंस, यस और नो? अगर गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, एक व्हीकल में अगर ट्रैवल कर रहे हैं खड़े होकर, बस में, और आपने एक रॉड पकड़ रखा है, खंबा पकड़ के रखा है, और वो ऊबड़ खाबड़ जगह से जाती है, तो आपका होल्ड टाइट हो जाता है कि नहीं हो जाता? होल्ड टाइट होता है कि नहीं होता? पकड़ लेते हैं ना, जोर से पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते? अगर आप एक टू व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हैं, पीछे यू आर सिटिंग एट द बैक एंड देर इज अ लिटिल हेयर इन देयर, यू होल्ड द पर्सन टाइट और नॉट? अब टाइट पकड़ लेते हैं ना, एक्चुअली आप देखेंगे तो टाइट पकड़ने के लिए आप सांस रोक लेते हैं, ठीक है ना? यू होल्ड योर सेल्फ टाइट। तो एक तरीका ये जानने के लिए कि आपका व्याधिक क्षमत्व, रिस्क को झेलने की कैपेसिटी कितनी है, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वन वे टू नो कि आपके शरीर में फैट
यूज होगा कि नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इफ देर इज एक्सेसिव फैट इन योर बॉडी और नॉट, व्हाट विल इट, हाउ विल यू चेक कि आपका वे अपना फैट को यूटिलाइज करने की कैपेसिटी कम है कि ज्यादा है. आप अपनी पकड़ को देखें. इफ यू आर एबल टू टेंस योर बॉडी अलॉट, अगर अपने शरीर को टाइट कर सकते हैं, अगर अगर अपने आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो आपका झेलने की क्षमता भी बहुत अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है. द स्ट्रेंथ ऑफ होल्ड ऑन योर बॉडी इज एन इंडिकेटर ऑफ योर इम्यूनिटी, इज एन इंडिकेटर ऑफ अ लार्जर स्कोप. आई एम सेइंग व्याधि क्षमत्व. ये अगर आप बढ़ाते हैं, इफ यू इंक्रीज व्याधि क्षमत्व, यू विल डू श्लेष्म शुद्धि, यू विल इंक्रीज इम्यूनिटी, यू विल इंक्रीज द फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, यू विल इंक्रीज द ऑर्गन फंक्शन ऑफ योर बॉडी एंड द ऑर्गन स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, यू विल इंक्रीज द होम्योस्टैसिस ऑफ योर बॉडी. अब एक नया वर्ड बोल दिया, होम्योस्टैसिस. Homeostasis, because of homeostasis, there is everything in balance in your body. तीन चीजों का homeostasis चाहिए आपके body के अंदर, तीन चीजों का balance चाहिए, ठीक है? Chemical homeostasis, osmotic homeostasis and thermo homeostasis. तीन चीज बताया. देखिए देखिए, ये अंग्रेजी बोलने से कोई समझदार नहीं हो जाता. So I have already told you in a different manner. प्रेशर, टेम्परेचर एंड मटीरियल, कफ, पित्त, वात, ओजस, तेजस, वर्चस, यही बताया मैंने. तो ये तीनों का ही बैलेंस आपको लाना पड़ेगा, तभी व्याधि क्षमत्व बढ़ेगा. यही तीन चीजों का होम्योस्टेसिस बैलेंस लाएंगे, तभी आपका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, तभी आपका फैट का रिडक्शन भी होगा, डिजीज का रिकवरी भी होगा, स्ट्रेंथ गेन भी होगा, एंटी एजिंग भी होगी, एंटी एजिंग भी होगी. नाउ आई हैव जस्ट टोल्ड यू वन वे टू चेक, देर आर अदर वेज टू चेक. आई हैव टोल्ड यू ओनली वन वे. पकड़, मैंने बोला ना, केवल एक ही तरीका है पकड़. मेंटली किसी को इश्यू भी होगा तो भी उसकी पकड़ ज्यादा होती है, समझिए. आप एक ही चीज पे निर्भर ना करें. आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट वन थिंग, इफ देर इज अ मेंटल इश्यू पेशेंट, अगर उसकी पकड़ ज्यादा है तो दैट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ व्याधि क्षमत्व. तो ये बैलेंस आपको करके चलना पड़ेगा. अच्छा, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ कैन वी इंक्रीज? एक तरीका मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता जा रहा हूं कि एक्सटर्नली यू सी, यू होल्ड योर ब्रेथ टू मिटिगेट रिस्क. आप किसी भी तरीके का एक्सटर्नल रिस्क मिटिगेट करते हैं तो आपकी ब्रेथ होल्ड करते हैं, यानी अगर इफ यू इंक्रीज द ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, यू विल सी यू विल मिटिगेट रिस्क वेरी इजीली. एंड द फैट प्रोपोर्शन, आपके शरीर में फैट की जो क्वांटिटी है वो यूज होने लग, उसकी शुद्धिकरण होने लग जाएगा, यूज होने लग जाएगा. अनदर एग्जाम्पल, इसी को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं. इफ यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर सम टाइम According to your capacity, for a certain period of time, say example 15 minutes, 15 मिनट तक आपने बीच बीच में सांस को रोकते 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 ऐसे किया, then what will you see? Immediately what will you see? Increase in the temperature of your body. आपको पसीना आ जाएगा without doing exercise. So, as I said, thermoregulation or temperature body का आपको बढ़ाना पड़ेगा to utilize fat. Yes or no? उसके लिए आप एक एक्सरसाइज करते हैं ना, खूब जोर लगा के एक्सरसाइज करते हैं तो फिर थोड़ा फैट कम होता है. मगर मैं तो आपको बैठ के ही फैट यूटिलाइज करने का तरीका बता रहा हूं विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज, बाय जस्ट डूइंग कुंभक यू इंक्रीज अ थर्मोरेगुलेशन फैक्टर और थर्मोरेगुलेटिव इंडेक्स ऑफ योर बॉडी. शरीर में टेम्परेचर बढ़ाने की क्षमता आपकी जैसे ही बढ़ती है आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा. एनीबडी हु डज कुंभक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टिल द व्याधि क्षमत्व हैज इंक्रीज कैन नॉट गेन वेट.
कैन नेवर गेन वेट, आई वॉज मोर देन 107 kgs, मैं 107 किलो से भी ज्यादा था। तो पहली चीज, इफ योर बॉडी टेम्परेचर, इफ योर टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी इज हाई, यू कैन नॉट हैव एक्सेसिव फैट इन योर बॉडी, इट विल गेट यूटिलाइज, उसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपको कुंभक कैपेसिटी बढ़ाने से थर्मो रेगुलेशन भी होता है। सेकेंड थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, यू नो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट और एनी मटीरियल इन द बॉडी देर इज अ सर्टन ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज नीडेड, आजकल उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, देर इज नथिंग कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जैसी चीज कुछ कुछ भी नहीं होती और किसी को भी मालूम नहीं है कि ब्लड प्रेशर होता क्या, नहीं तो वो ठीक कर देते, पर हम लोग ठीक कर देते हैं ब्लड प्रेशर। हाउ? बाय कुंभक। अपने शरीर के अंदर आप प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे? सो आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल, उल्टी किया होगा सबने, यू मस्ट हैव प्यूक्ड, उल्टी किया होगा सबने, कभी ना कभी तो किया होगा। उल्टी करने से पहले क्या होता, व्हाट हैपेंस? फॉर थ्रोइंग आउट यू नीड अ सर्टन प्रेशर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर प्रेशर चाहिए एंड बॉडी होल्ड्स ब्रेथ, सांस रुकती है वो प्रेशर बनाने के लिए एंड देन यू प्यूक आउट, फिर उल्टी होती है आपके। छींक मारी है किसी ने? हैव यू स्नीज, छींक मारा है? क्या छींक मारने से पहले सांस रुकती है? डू यू होल्ड योर ब्रेथ बिफोर? देखिए ऑब्जर्व ही नहीं किया आपने। इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और आपको लगता है कि किसी किताब को पढ़ के आपको ज्ञान मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। अरे नहीं, ज्ञान तो यहां पे है, लाइफ इज हैपनिंग हियर, यू मस्ट ऑब्जर्व इट एंड देन ओनली यू विल गेट अ सॉल्यूशन। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन हो गया एंड यू वांट अ रिलीफ, है ना, थ्रो बाहर नहीं निकल रहा तो जोर लगाते हैं कि नहीं सांस रोक के, सबने किया होगा कि नहीं किया होगा, वो भी सांस रोक के करते हैं। दैट मीन्स इफ देर इज समथिंग टू ट्रेवल इन साइड योर बॉडी, अगर शरीर में कोई चीज ट्रेवल करना है तो आपको एक प्रेशर चाहिए। प्रेशर कम हो जाए ना किसी का, आज का पर्सन हु हैज लो बीपी, वो किसी को पकड़ भी नहीं पाएगा, उसकी पकड़ ही कमजोर हो जाएगी। तो बॉडी में कोई चीज फ्लो कराने के लिए भी प्रेशर चाहिए और प्रेशर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? ब्रेथ होल्ड। अंदर बॉडी का प्रेशर बनाए तो ब्रेथ होल्ड करके प्रेशर बना सकते हैं ना, हाँ या ना? और कोई तरीका है क्या? कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। तो जब हम श्लेष्म शुद्धि कर रहे हैं तो हाउ डू वी डू श्लेष्म शुद्धि? बाय पित्त एंड वात बैलेंस और ओजस वर्धन कह सकते हैं। श्लेष्म शुद्धि को हम क्या कर सकते हैं? ओजस वर्धन। ओजस वर्धन क्या करें, आपको लगता है कुछ खा लो तो ओजस वर्धन हो जाएगा, खाने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती और आपको लगेगा भी नहीं, क्योंकि लगने के लिए आपका पित्त और वात पक्ष सही होना चाहिए, तेजस और वर्चस सही होना चाहिए, तब जाके ओजस बनेगा, है ना। आग जलनी चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, तब उपमा बनेगा, वापस से घूम फिर के वहीं आ जाइए, आपको समझ में आएगा। तो अपने शरीर का श्लेष्म शुद्धि के लिए क्या करेंगे? यू विल हैव टू रेगुलेट और इंक्रीज द टेम्परेचर इंडेक्स एंड प्रेशर इंडेक्स ऑफ योर बॉडी। आपके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज यानी झेलने की क्षमता कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए एंड देन श्लेष्म शुद्धि कैन हैपन, नॉट अदरवाइज, कोई और तरीका नहीं है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी योर इम्यूनिटी विल इंक्रीज, बिकॉज ऑफ दैट योर ऑर्गन स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम डिजीज वेरी फास्ट, रिहैबिलिटेशन विल हैपन, एंटी एजिंग विल हैपन, फैट तो इस्तेमाल होगा तभी होगा ना ये सब। सो श्लेष्म शुद्धि, हाउ वी आर गोइंग अबाउट डूइंग श्लेष्म शुद्धि? बाय यूजिंग कुंभक टू इंक्रीज व्हाट इज कॉल्ड एज तेजस एंड वर्चस। दो फैक्टर बताए, श्लेष्म या ओजस को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ा रहे? बाय इंक्रीजिंग द तेजस एंड वर्चस फैक्टर, we are increasing the ojas factor and you'll see जो भी कुंभक कर रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं? त्रिकाग्नि संस्कार। इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? त्रिकाग्नि संस्कार। सो वी आर टीचिंग यू त्रिकाग्नि कुंभक क्रिया एज वन पार्ट ऑफ इट। तीन चीजें आपको सिखाएंगे इसमें प्रोग्राम में,
The first thing that will teach you is Trikagni Kumbha Kriya. The second part that will teach you is Sarvanga Hatha Kumbhaka, which is directed towards every organ of your body. So, ye na, ye overall health program hai. So, it will increase the capacity of your liver, thereby reducing fatty liver, liver cirrhosis, liver ki issues ko khatam karega, heart ko strong karega, it will build up confidence, boost up confidence, and boost up heart strength, increase what you call as the blood regulation, blood pressure regulation factor of your body. आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के फैक्टर को बढ़ाएगा. इट विल एनहांस द किडनी कैपेसिटी, किडनी की कैपेसिटी को वो इंक्रीज करेगा, तभी जो खराब चीजें हैं आपके शरीर से बाहर जाती है, श्लेष्म शुद्धि में जो भी खराब चीजें बनेगी वो थ्रू आउट करने का भी. डाइजेशन कैपेसिटी, इट विल इंक्रीज द हंगर इंडेक्स, द राइट हंगर इंडेक्स ऑफ योर बॉडी, सही भूख. अगर आपको खूब भूख लगती है ना, आपको फैट नहीं हो सकता, मालूम है इस बात का, आपके अंदर फैट नहीं हो सकता, खूब भूख लगती है, लेकिन आप भूख लगने ही नहीं देते, वैसे ही खा लेते हैं. टाइम पे खाते हो ना तो बीमारी हो रही है, भूख लगने पे खाएंगे तो बीमारी नहीं होगी. सो हंगर फैक्टर को भी इंक्रीज करेगा, देयर बाय डाइजेस्टिंग डाइजेस्टिव प्रोसेस, जो डाइजेस्टिंग एनीथिंग विच इज केप्ट एज डॉर्मेंट इन योर बॉडी. कोई फैट अगर डॉर्मेंट है तो उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपके, ठीक है ना. तो ऑर्गन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सर्वांग हट कुंभक है. एंड द थर्ड थिंग इज इट विल ऑल्सो इंश्योर दैट यू बिकम स्ट्रांग इन योर बॉडी. जैसे आपका ऑपरेशन हुआ, जैसे आपको न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल डिजीज है, स्पेशली न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, सो एंड देर इज एन एपिसोड, एक रिस्क एपिसोड आ गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो वापस आके आप अपने शरीर को वापस से एफिशियंट एंड स्ट्रांग कर पाए, उसके लिए करला कटाई का एक बहुत सिंपल प्रोसेस, एनीबडी कैन डू इट. करला कटाई इज अ वेरी वास्ट प्रोसेस, ये बहुत एक साउथ इंडियन मार्शल आर्ट में अभी भी संभाल के रखा है इसको, नॉट इन द राइट फॉर्म, नॉट इन द ओरिजिनल फॉर्म, बट यस इन मेजरली इट हैज बीन केप्ट एज इट इज. तो करला कटाई एक ऐसी चीज है जिससे कि बॉडी का ब्यूटिफिकेशन होता है. Your fat will be utilized, but your proportion will come out. आपका proportion बहुत अच्छा बन जाएगा. यानी आप शरीर से खूब सारा activity ले सकते, काम ले सकते हो. जैसे जवानी में खूब शरीर से काम ले सकते थे ना, अगेन यू कैन यूज योर बॉडी टू डू लॉट ऑफ एग्रेसिव एक्टिव, इवन एग्रेसिव एक्टिविटी. आपका बॉडी का प्रपोर्शन भी आता है करला कटाई से. एंड देर इज अ मूवमेंट विथ सर्टन वेट, वेट के साथ में एक छोटा सा मूवमेंट आपको सिखाएंगे. वेरी शॉर्ट प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस है. इफ यू डू इट रेगुलरली इट विल हैव a huge impact on your physical strength, and anti-aging factor. Anti-aging bhi hota hai. Theek hai, teen cheeze hai aapko sikha rahe. But everything has a basis, core as kumbhak. Ye teeno cheeze hai, Trikagni Samskara, Sarvanga Hata Kumbhak, Karla Katai, teeno mein hi kumbhak base hai. Kumbhak ke bagar hum nahi kar rahe ye sab. क्योंकि कुंभक के बगैर ये हो नहीं सकता. बाकी जगह करला कटाई को किया जा रहा है, नॉट विद कुंभक. करला कटाई में वेट को इस्तेमाल किया जाता है जस्ट टू डू कुंभक, बट वी यूज प्योरली कुंभक टू डू करला कटाई. दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, है ना. तो दुनिया में अपने तरीके के यूनिक प्रोसेस, बिल्कुल इकलौते प्रोसेस, और कोई ऐसा नहीं है. विल टीच यू इन 40 डेज, 40 दिन के अंदर आपको ये चीजें हम सिखाएंगे. इफ यू डू प्रैक्टिस इट, so you will reap benefit like weight reduction. तो होगा. If you are doing kumbhak, let me again guarantee this. If you are doing kumbhak and your vyadhi kshamatva has increased, which takes approximately 3 to 6 months from people to people, ज़्यादा problem है किसी को, ज़्यादा chronic disease है, then it will take 1 year to 3 year. But सोचिए, आप अगर 3 साल के अंदर अपने situation, the state of your body becomes such कि आपकी बीमारियां सारी ठीक हो जाती हैं और आगे चल के कोई बीमारी नहीं आए आपके, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इज देयर एनी अदर वे थ्रू विच यू कैन डू दिस? नो, यू कांट डू दिस थ्रू एनी अदर वे. अच्छा भोजन खाना तो ठीक है, बट फूड विल नॉट इंक्रीज योर व्याधि क्षमता. तो आपको क्या वो
च्यवनप्राश खा के आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी? नहीं साहब, ऐसा काम नहीं करता, ऐसा ऐसी चीजें नहीं होती। थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर पड़ेगा इफ यू हैव स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, बट इन अ लॉन्ग टर्म, साल भर च्यवनप्राश खाएंगे तो थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन व्याधि क्षमत्व बढ़ाएंगे तो एक हफ्ते में आपकी इम्यूनिटी डबल हो सकती है। सो दिस इज अ मिसिंग पार्ट दैट वी मस्ट फोकस अपॉन, एंड इट्स अ दिस प्रोग्राम इज अ कंप्लीट रिहैबिलिटेशन, रिकवरी, रिजुविनेशन प्रोग्राम, है ना? तो ये बड़ा स्कोप है इसका, रिहैबिलिटेशन, रिकवरी, रिजुविनेशन। किसी को अगर मेंटल एपिसोड भी है, एनी काइंड ऑफ मेंटल इश्यूज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बाइपोलैरिटी, स्किजोफ्रेनिया, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, अगर एडीएसडी, इस तरह की चीजें भी हैं, सो यू विल सी दैट योर द मोमेंट वी इंक्रीज द व्याधि क्षमत्व, द मेंटल इश्यूज एक्चुअली कोलैप्स डाउन, वो चीजें एकदम ठीक हो जाती हैं। सो द कोर थिंग इज व्याधि क्षमत्व बढ़ा के व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग श्लेष्म शुद्धि, श्लेष्म शुद्धि कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ वी विल अचीव ऑल दोज रिजल्ट्स दैट आई हैव सेड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अमेधा, और इसको शॉर्ट में हमने क्या बोला, हमने कहा अमेधा, ताकि आप प्रोनाउंस कर पाए। लंबे लंबे वर्ड बोलेंगे तो नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे, मगर व्हाट इज दिस प्रोग्राम, द प्रोग्राम इज अमेधा। किसके लिए जरूरी है? सबके लिए जरूरी है इस वक्त तो, है ना, सबके लिए जरूरी है, बट आप अपने अपनी प्रॉब्लम देखिए और उसके हिसाब से देखिए कि ये आपको, ये कोर थिंग है, ये आपको करना चाहिए। टेक अ डिसीजन, इफ यू टेक अ डिसीजन टुवर्ड्स योर लाइफ, यू विल सी यू कैन गो टुवर्ड्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो आई विल स्टॉप हियर, यहां पे मैं रुकूंगा, बाकी द टीम विल टेक यू फॉरवर्ड। Thank you so much, Anil ji, for sharing the video. And to all the participants, I am sure you all have heard the version of Swami ji as to how the body works and how fat is not per se a fat issue, but because your body is at risk, the extra pounds or kgs have been put on. So now I would like to invite Palak ma'am, who has been a participant of Amedha, to share her journey. Thank you so much, Palak ma'am, for joining in. I will just put you on pin. Yes, ma'am. हेलो Yes, ma'am, we can hear you. यस, मुझे कोई दिख नहीं रहा है सामने। ma'am, आप स्पॉटलाइटेड हो, हम लोग सब आपको देख पा रहे हैं. ओके, मैंने कुंभक ज्वाइन किया था, उससे मुझे काफी बेनिफिट हुए। हालांकि मेरी प्रैक्टिस उतनी रेगुलर नहीं रही, उसके बाद भी मैंने 2 से 3 केजी वेट लॉस किया है, और अभी भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। हालांकि मेरी रेगुलर नहीं हो पाती, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, इस कारण से जितना वेट कम हुआ था उतना स्टेबल है। ये नहीं है कि नई प्रैक्टिस हो रही, रेगुलर तो बढ़ गया है, और गुस्सा नहीं आता है, हाथ पैर में जो दर्द होता था वो नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत प्रॉब्लम्स थी मुझे, जॉइंट्स में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, वो भी मेरी सॉल्व हो गई हैं कुंभक से। तो मैं यही बोलूंगी कि जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो एक बार इसको ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू सो मच पलक मैम फॉर शेयरिंग योर जर्नी ऑफ अमेधा। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट राजेश ठाकुरे सर टू प्लीज शेयर हिज जर्नी ऑफ अमेधा। Yeah, good evening, everybody. Am I audible? यस सर। Yeah. Okay, good evening, everybody. I have joined this class just few week back, and that time I don't realize that even by sitting doing this Kumbh, I can reduce my weight. And surprising, in last 2.5 week, I reduced the weight more than 3 kg, and I have a very even sitting and doing Kumbh. You will feel that you have walked for more than 1 hour, इतना पसीना निकलता है। So this is an amazing journey, and I wish that I can continue for more than a year.
to be like Swamiji, because Swamiji is and my weight is nearby when he started, and my journey is also at near about 107 kg. So I love to become Swamiji nearby 75-80 kg weight. So I request everybody that you should participate and enjoy this journey, which is obviously going to help you out from tip to toes and give you smile on every moment when you are working on this journey. Thank you. Thank you so much, Rajesh ji, for sharing your journey of Ahmedabad. And the most important part that Rajesh ji has already mentioned is the smile of your journey. That is so very important. Till the time we are living a life, it should be full of smile, be it the weight or not the weight. Thank you so much once again. And now I would like to request Anil ji to please share the program details, as the participants are eagerly waiting to know more about the Ahmedabad program. Over to Anil ji. Thank you, Rachna ji. Just give me a few seconds and I'll share my screen. Rachna ji, aapko screen dikh rahi hai meri? Haan, dikh rahi. Okay, great. All right. So let us get to know the details of the program, which a lot of you may be waiting for. जल्दी से जानते हैं क्या डेट्स हैं, क्या क्लासेस. अमेधा श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा प्रोग्राम डिटेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ गाइडेड प्रोग्राम विच इज कंडक्टेड ऑनलाइन ऑन द जूम ऐप बाय अ ट्रेन्ड कुंभक मेंटर्स. ये एक गाइडेड प्रोग्राम है जो एक्सपर्ट्स की सुपरविजन के अंडर कराया जाता है, और ये जूम एप्लीकेशन के ऊपर होता है. जैसे आप अभी अटेंड कर रहे हैं वेबिनार, एज यू आर अटेंडिंग द वेबिनार ऑन जूम, so you'll be attending the classes on Zoom only. Next, it's a 6-week program wherein 18 live classes will be there. So weekly there'll be 3 classes. Har hafte 3 class rahengi aur ye 6 hafte tak program chalega. Then iska jo magic hai, jo is therapy ka jadoo hai, wo pran shakti diagnosis hai for root cause determination. Jo problems hai, hamare health issues hai, let's say weight किसी का बढ़ रहा है, तो किन कारणों से बढ़ रहा है, वो एक प्राण शक्ति डायग्नोसिस करते हैं स्वामी जी, जिससे वो पता कर पाते हैं और आपकी थेरेपी को उसके अकॉर्डिंग फाइन ट्यून किया जाता है. इसके बारे में हम और बात करेंगे आगे चलकर, व्हाट एग्जैक्टली प्राण शक्ति डायग्नोसिस इज. देन इफ यू सी द लास्ट पॉइंट इज वन कस्टमाइजेशन क्लास. सो 18 क्लासेस प्लस वन कस्टमाइजेशन. What is this customization class? ये customization है क्या, वो भी हम जानेंगे थोड़ी देर में. Batch 07 of Ahmedabad Shleshma Shuddhi Chikitsa is starting on 13th July, which is Thursday, 7 AM. Early morning का batch है, 13 July, बृहस्पतिवार के दिन. Class time and days, जैसा कि मैंने बताया, 7 AM start होगा. और क्लास डेज आप देखेंगे दो तरीके से हैं इसमें. थर्सडे को स्टार्ट हुआ, फिर सेकंड क्लास होगा आपका सैटरडे को. आफ्टर दैट एवरी वीक मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे द क्लासेस विल बी ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. बस द फर्स्ट टू क्लासेस विल बी ऑन थर्सडे, विच इज 13 जुलाई एंड सैटरडे. विल गिव ऑल द डिटेल्स एंड शेयर ऑल द डिटेल्स इन चैट एज वेल एज इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो. What is the class experience like? Class experience कैसा रहता है? You must have understood by now, these are live sessions. ये live sessions रहेंगे और mentors सभी participants को observe करते हैं, वो कैमरा में देखते हैं. इसलिए classes के दौरान आपको कैमरा ऑन रखना compulsory है. It's compulsory to keep your cameras on so that the mentors can watch you and give you feedback about the way you are doing your kriyas. There'll be written instructions also in English and Hindi. Hindi, English दोनों में आपको लिखित निर्देश भी मिलेंगे, और session recording या फिर class की जो recording है, live class होगी उसकी recording होगी और वो available कराई जाती है course dashboard के थ्रू. उसमें upload हो जाती है, आपको login ID password मिलता है और वो recording आप देख सकते हैं. और काफी extra चीजें होती हैं, lot of extra things will be
given during these 6 weeks of the course. Like, there'll be a lot of mental practices. There'll be a unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan, because diet plans do not work, and different diets, different people, people's body responds differently to the same diet. So it's given a diet perspective, how to use food so that it supports your body and not harm it. किस तरीके से खाने को इस्तेमाल करना है ताकि वो शरीर को नुकसान ना पहुंचे, वो एक आपको वीडियो बताता है स्वामी जी का. देन सिंपल डिटॉक्स प्रोसेसेस विल बी देयर, डिटॉक्स प्रोसेस होंगे जो आप कर सकते हैं. एंड देन पूरे प्रोग्राम के दौरान काफी नॉलेज शेयर की जाएगी, लॉट ऑफ नॉलेज विल बी शेयर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रोग्राम. एंड बिफोर आई शेयर द प्रोग्राम डिटेल्स, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर. रचना जी ने स्टार्टिंग में बताया था ये प्रोग्राम किन लोगों के लिए है. अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये किन लोगों के लिए नहीं है, ताकि ये क्लियर हो सके एक्चुअली किन लोगों के लिए है. दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ मैजिक पिल एंड वॉन्ट रिजल्ट टुमारो ओनली. सी, इट्स अ फास्ट फूड वर्ल्ड दैट वी लिव इन. हर चीज जल्दी चाहिए होती है. जैसे आपने चैट में भी मैसेजेस देखे होंगे, मैंने काफी देखे हैं, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट. इफ यू कांट अंडरस्टैंड थिंग्स, इफ यू कांट अंडरस्टैंड द वे बॉडी फंक्शंस, और ये नॉलेज आपको कहीं गूगल में नहीं मिलने वाली है. तो इफ यू कैन नॉट अप्रिशिएट दिस नॉलेज, आई एम नॉट श्योर वेदर यू विल बी एबल टू डू द प्रोग्राम ऑल्सो. आपको डायरेक्ट सोल्यूशन कुछ नहीं मिलता, एक बेस होता है किसी भी चीज का. यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन द प्रॉपर पर्सपेक्टिव, अदरवाइज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स which will, you know, give you fast results and you don't have to attend such webinars also. So, ये magic pill कुछ नहीं है, और इसको अपने body के ऊपर काम करना पड़ेगा. Results तुरंत नहीं मिलेंगे. So, अगर आप fast food वाले जमाने से में से की सोच से हैं, तो this is not for you. And if you're so impatient to, you know, let Swamiji know to come to the point, so this is not for you at all. And this is not for those who are not ready to work on their body. Because every day you'll be requiring 60 to 70 minutes to work on your body, to do your daily kriyas. Itna samay aapko lagega. So, ye ek investment hai. If you are in a hurry, this program is not for you. And this is not for those who are impatient. Jaisa ki maine abhi bhi wahi baat ki hai. Impatience khud mein ek problem hai. It's a issue. It's a mental issue. Jo impatient hum hote hain, ek mental issue hota hai. To, if you're so impatient, this is not for you at all. And it's not for those who are looking for a free treatment. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ because आप सभी ने एक Facebook पे ad देखा होगा जिसमें एक introductory free webinar लिखा होता है. आपने register किया और आप ये free attend कर रहे हैं. Many people misunderstand that the program is free, the 6 weeks program is free. So just want to make it clear, the webinar that you are attending is free. The 6 week program, that is not free because that is done under expert supervision, right? So just wanted to make things clear so that it becomes clear who this program is not for and actually who this program is for. Ye zaruri tha batana. Aage badhte hain. Ek special pricing hai jo webinar ke abhi attend kar rahe hain log, people who have stayed back. What is that? Actual pricing is 9,500, but for people who are here, just 5,500. Because we want to make it so affordable for everyone, because it's a new way of weight management. And jaisa ki aap jaan chuke honge abhi tak, it's just not about the weight. It's about a lot of things. Agar aap sirf weight ko pakad ke baithenge, to shayad aapko itne results na mile, aur shayad aap isko theek se na samajh paye. Ye bahut bada aayam hai, to isliye iski pricing aisi rakhi gayi hai, taki zyada se zyada log isko afford kar paye. How to enroll? First step is to pay the program fee. Second step is to post the payment receipt in the WhatsApp group. Then step three is to submit your details to access the course dashboard. Course dashboard is where all the recordings are stored and where the written instructions are there, which you can download and take a printout also. Step four is to join the class WhatsApp group where you'll get daily support. I'll talk about it in detail shortly. What do you get in this program? Now, first point is Pran Shakti diagnosis for root cause determination. I'll just talk about it for some time because it's very important. ये Pran Shakti diagnosis क्या है? ये जो health issues हैं, जो बीमारी है, उसकी जड़ पता करने के लिए एक process होता है.
ये एक पहली चीज, ये एक नॉन मेडिकल डायग्नोसिस है और दूसरी ये एक ऑनलाइन डायग्नोसिस है. दिस इज अ नॉन मेडिकल डायग्नोसिस एंड इट्स एन ऑनलाइन डायग्नोसिस. बोथ थिंग्स मे साउंड वेरी स्ट्रेंज टू यू बिकॉज वी हैव बीन यूज्ड टू यू नो गोइंग टू अ डायग्नोस्टिक लैब, यू गिविंग सम सैंपल, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, स्टूल एंड यू नो गेटिंग स्कैन, MRI, ये सब कराते हैं. इट्स नन ऑफ दैट. इट्स अ यूनिक डायग्नोसिस एंड आई जस्ट explain in very few words, very short, in short. What you'll be getting a form, an online form, and you'll be asked to do some experiments on your breath and emotions. Aapko ek form ka link milega aur aapko kuch experiments karne ko bola jayega apni breath aur emotions ke upar, aur wo note down karna hoga us form ke andar. Second thing that you'll be required to do is you'll be writing about all your health issues in detail. And third thing that you'll be required to do is you'll be required to upload a selfie photograph, shoulder and above, in which the face should be clearly visible, but there have to be no specs on the eyes. And in case of ladies, no makeup also. So when these three things reach Swamiji, he is able to know what is causing the weight loss, what is causing the other issues, if you're suffering from thyroid, if you're suffering from diabetes, and weight along with the weight issue. So he finds out what is causing that. Let's say there are 10 people, the cause of weight gain can be different for all the 10 people. That's the thing. Because it's not that one reason is true for everyone. Sabhi ke andar weight badhne ka ya koi problem hone ka, koi disease aane ka karan alag alag ho sakta hai. Same disease ke liye, same health issue ke liye. That has to be understood. Now, 3 classes per week, I already told you. About 60 to 70 minutes duration. Class recordings will be there. All, like I told you, all the classes are recorded and they'll be made available to you through the course dash. And this access will remain with you for 6 months, which is enough time to learn all the kriyas by heart and to implement in your daily lifestyle. Then separate videos of all the kriyas. How this is different from the class recording? The class recording is of the whole duration, 60 to 70 minutes. But here, this separate videos are of all kriyas. So some kriya may just take 2 minutes to watch, some may take 5-10 minutes. You don't have to watch the whole 60 minutes of the class recording to just see how a kriya is done. You just watch that video and that's it. Written instructions will be there. I'd already told you, in English and Hindi. Likhit nirdesh aapko milenge English Hindi dono mein. Daily support in the class group. This is very important. Like 3 days of the week, you'll be live with us in the class. The remaining days when you're practicing on your own, and if you have any doubt that time, so this is the group that you'll be asking your doubts in. All our mentors are added in the, they are inside this class group, and they'll be answering your questions, clarifying your doubts, and they'll guide you step by step. Then customization of class as per the diagnosis. PST is Pran Shakti diagnosis, the first point which I just talked about. Based on this, every participant's kriyas will be fine-tuned and customized. Okay, which you have to continue after the program. Because wo aapke jo health issues hai, usko directly address kar rahi hongi, jo jad hai problem ki, usko directly us par kaam kar rahi hongi ye kriyaen. Isliye aapko ye continue karni hai, aapki customization milne ke baad. Then 30 days of extra support after the program is over. प्रोग्राम 6 हफ्ते के बाद कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी 30 डेज का एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको मिलता है. ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि कई केसेस में ऐसे हो जाता है कि कुछ लोग क्लास मिस करते हैं, मे बी ड्यू टू देयर सिकनेस, ड्यू टू देयर ट्रेवल, ड्यू टू सम फंक्शन इन द फैमिली, वट एवर. सो यू नीड नॉट वरी इफ यू मिस्ड एनी क्लास. ऑल्दो द रिकॉर्डिंग विल बी देयर, but still, if you want to ask anything about the kriyas, about the problem, about your health issue, so you can still do that after 30 days also, till 30 days also after the program is over. Payment methods we'll share here also and in the WhatsApp group also. Then I'll just stop here, talk about the support team that will be at your service. There's a proper team in place because we understand this is an online program. So things are sometimes not that easy. Sometimes they are challenging when you are doing online. But you need not worry because we are experts at online training, and we are that's a responsibility to make you do the kriyas correctly. That's the main thing.
Rachna Srivaraputra, she is the host of this webinar and she is the program director. Shalini Bhagwat, she is the class manager. She takes care of the batches, the timing and everything, assigning mentors. Ranjana Swain, Vibha, there are mentors. Then Neha Upadhyay, she is the enrollment in charge. And you'll be interacting with her before you start your classes about your fee received and everything. Anil Chuan, that's me. I'll be answering your questions if they are not taken up here due to shortage of time. Swamiji may not be able to take up all the questions. So please do not worry. You just post your question in the WhatsApp group also. I'll answer each and every question. Then we have Himanshu Reddy. He's the technical person who uploads the videos, uploads the written instructions. He helps you with installing the app through which you can access on your mobile. And then you can access all these recording your course dashboard on the laptop or a computer also. And with this, I come to the end of my presentation and I hand over the webinar back to Rachna. Thank you. Thank you so much, Anilji, for sharing the program details. Now we will be having the question and answer session. Let me just check if Swamiji has joined in. So he has not joined in as yet. So I would request the participants, so you can write down your questions in the chat so that I can take it up any other time possible, like around 6 in the morning. Gunjan ma'am, not right now. We don't have any morning batch as such. So you can leave your number and we'll get back to you. Sir Venkatesh, sir, is it okay if we only see the recordings and do it as it's our office time in the morning? You can definitely do that. Not a problem. The recording will be given to you. You'll have the PDF. So you can definitely do it seeing the recording. And if you have any queries, you can write in the WhatsApp group and our mentor will answer to you. Anita Devi, ma'am, I am already in Vata group and the exercises are 1 minute. I'm already in Vata group and the exercises are the same what we are going to have in this group. No, ma'am, it is going to be different from what you have been doing in Ashtang Chikitsa because this is a totally different program. We are focusing on weight management, rejuvenation, and post-surgery. So here the focus is totally different, whereas in Ashtang Chikitsa, it's related to pain mostly. Bapu Rao More, just a sec, is it the capacity of body for retention of breath for the maximum time? Let me just read the question once again. Is it the capacity of body for retention of breath for maximum time, the kumbhak? Yes, sir. It's kumbhak is the retention of breath. That is what the definition of kumbhak is. But here we are using kumbhak therapeutically as in weight management. So it is the capacity of the body to retain breath for the maximum time. So here when you're doing the retention of breath, we do not tell the participants to force their body. According to their comfortability, they need to retain their breath. Komal ma'am, I wanted to visit, that's why I'm asking. I'm so sorry, ma'am. We just have offline sessions, online sessions. We do not have any offline centers as of now. Let me just check if Swamiji has joined.
there is some technical issue, so he's not been able to join. He'll join at 7:30. Okay, he'll join at 7:30. Okay, so I've answered a few questions, general questions. Drishti ma'am, what is Kumbhak about? Some magnetic therapy? I think I've already explained to Bapu Rao sir about what Kumbhak is. In fact, he had only defined Kumbhak. So here we are using breath retention to improve the body functions and the organ functions, and invariably, we get the resultant weight management or weight loss and other benefits as well. I'm so sorry. So, Kumbhak is about retention of breath. And that's how we are rejuvenating the system and working on the internal organs. Or koi bhi tarika nahi hai jisse aap apni andruni taakat ko bada sakte hain by taking pills or having, you know, n number of diets. You actually gain nothing but lose out more. To ye kumbhak se aap apne pure system ko rejuvenate kar rahe hain and you bounce back to health. Medhaj Dempo ma'am, will this program help to get sound quality sleep? This is a very good question. Ab, most logo ko aajkal dekha gaya hai, they have insomnia. They do have sleep problems. Reasons could be tons. It could be basically lifestyle. It could be stress, tension. Aaj aap dekhenge to chote bachche se leke budde aadmi tak ho, sabko bahut tension hai. तो जब आप कुंभक करते हैं, यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन योर माइंड एज वेल. तो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली इट इज वर्किंग ऑन द माइंड. तो जब आपके माइंड के ऊपर काम होता है, देन यू विल सी स्लोली स्लोली योर क्वालिटी ऑफ द स्लीप हैज इंप्रूव्ड. Amin sir, does it help for diabetes? For diabetes, we have a separate program run by our sister concern, Astika Kumbha. So if you can write down your number, our enrollment expert Neha will share the number with you and you can directly contact them. Sangeeta ma'am, need to talk to someone personally. Can I get a number? So Neha, can you please directly contact Sangeeta ma'am? Sangeeta ma'am, if you can write down your number, it would be great. So Neha will connect with you personally. Okay, the next question. आपके बदले हम डेस्कटॉप पे वीडियो देख पाएंगे क्या? प्रकाश सर, आपके बदले हम डेस्कटॉप पे वीडियो देख पाएंगे क्या? ऐप के बदले हम डेस्कटॉप पे वीडियो देख पाएंगे क्या? जी देख पाएंगे. So, देख पाएंगे आप प्रकाश सर. Okay, let's go to the next question. Meanwhile, aap log apna questions likh daale so that once Swamiji joins in, we do not waste much time and we quickly answer all the questions. Amin sir, for back pain and slip disc, you'll have to join Ashtang Chikitsa. And for diabetes, as I already told you, there is
our sister Kansa, who's already doing the program. So please write down your number and Neha will be able to help you with the same. Anuradha ma'am, cravings for sweet and I am obese. So ma'am, aapko apne cravings kam karne ki zarurat hi nahi hai. Because there is no restrictive diet plans. You're just working on your internal system aur aap dheere dheere dekhoge, aapka cravings automatically ghat gaya. Aapko kuch diet karne ki zarurat nahi hai. And slow process it's going to be, but it will happen. So please, if you can join Ameda, please join and you will see slowly, slowly aapke cravings bhi ghat gaye. In fact, that's a very good part and parcel of yoga as well. That slowly, slowly aap apne desires kam kar dete hain. What is the next question? Why not give 8 days free trial or 2 days? Sir, I think Anilji has already answered these questions that we do not have any free trial and already our program is. Yes, Anilji, you can answer this question. Agar aap trial ye janne ke liye kar rahe hain ki aap kar payenge kya, to uske liye ek video share karenge hum jisko aap dekhenge usme ki kaise kiya jata hai. Because ha, ye aapki baat sahi hai, kai bar confusing hota ki exactly hota kya hai kumbhak. Breath hold to bata diya, but exactly hota kya hai, to wo ek video share karenge. और दूसरा हम एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारा एक अष्टांग चिकित्सा भी प्रोग्राम है जो न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स के लिए है. तो ये बहुत आसान क्रियाएं होती हैं, कोई अगर चीज मुश्किल होती है उसका वेरिएशन बताया जाता है आपको. और जो हमारा अष्टांग चिकित्सा प्रोग्राम है उसमें मोस्टली जो एक एवरेज एज है वो 60-65 ईयर्स होती है. एंड कुछ लोग ऐसे भी आए थे पार्टिसिपेंट्स हमारे पास जो देवर 90 प्लस, तो वो भी कर पाते हैं और तो इजीली हो जाता है. तो तभी जो टीम है हमारी वो सपोर्ट करती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि वी आर एक्सपर्ट्स एट ऑनलाइन थेरेपीज और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ठीक से कर पाए. इसलिए मल्टी टीयर सपोर्ट हमने इसमें डाले हुए हैं. तो वो वीडियो शेयर करेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे है. लेकिन अगर आप ये सोच ट्रायल 2-8 दिन का इसलिए मांग रहे हैं कि कुछ असर होता है क्या, तो आप ना जाए, बिकॉज 2-8 दिन में असर नहीं दिखता. ये एक लॉन्ग टर्म चीज है. बार बार हम वही बोलते हैं, ये ऐसी नहीं है कि आपको आप देखें कि असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. वो जरूरी है समझना कि ये लॉन्ग टर्म चीज है. ये आपके इंटरनल कोई भी हम काम करेंगे ना बॉडी में, तो उसमें टाइम लगती है चीजें. अब जैसे पानी उबालते हैं आप 99 डिग्री पे, थोड़े ही सेकंड के बाद वो एकदम उबाल दिखता है उसमें, लेकिन तब तक नहीं दिख रहा. इसका मतलब ये नहीं है कुछ चल नहीं रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है शरीर. तो इसी तरीके से जब हम कुछ क्रियाएं करना शुरू करते हैं शरीर के ऊपर, तो चीजें चल रही होती है, बट वो अंडर द सरफेस होती है. बाहर निकलते दिखने में समय लगता है. तो अगर वो मकसद है कि देखें कि फर्क पड़ता है क्या, देन प्लीज डोंट ज्वाइन, क्योंकि जरूरी नहीं है फर्क पड़े. तो दोनों को मैंने आंसर कर दिया कि अगर आप देखना चाहते हैं कैसे क्रिया की जाती है, उसका वीडियो शेयर करेंगे. अगर ये देखना चाहते हैं काम करती है कि नहीं करती है, देन डोंट जॉइन, बिकॉज़ वो फिर आपको टाइम वेस्टेज हो जाएगा. ओके, सो स्वामी जी हैज जॉइंड. नमस्कार स्वामी. नमस्कार, गुड इवनिंग स्वामी जी. सो वील टेक अप द क्वेश्चंस वन बाय वन. द पार्टिसिपेंट्स हु हैव नॉट रिटन देयर क्वेश्चंस can do so, and in the last part of the webinar I'll also have the raised hands ask their questions directly. So Amol sir writes about, mujhe hypertension hai ma'am, ye kam ho sakta hai kya? Okay, I'll just okay, you can unmute yourself. So hypertension
कम हो सकता है क्या? हाइपरटेंशन होता क्या है पहली बात तो ये समझने की। वी कैन नॉट हियर यू। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है स्वामी जी। अभी आ रही है जी? हाँ अभी भी धीरे आ रही है। धीरे आ रही है, वॉल्यूम चेक कर लीजिए। इनपुट लेवल तो अच्छा है अभी अभी। अब ठीक? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है। तो हाइपरटेंशन जब हम कहते हैं तो हाइपरटेंशन होता क्या है पहली बात तो ये हमको समझने की जरूरत है। तो हाइपरटेंशन कहते हैं ब्लड का प्रेशर होता आर्टरीज पे। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, ये तो साइंस के खिलाफ में है। आप कहेंगे हाइपरटेंशन ब्लड का प्रेशर होता है आर्टरीज पे, तो ये तो साइंस के खिलाफ में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बर्नौली का प्रिंसिपल है फ्लूइड डायनामिक्स में, लैमिनर फ्लो कैनॉट एग्जर्ट अ वर्टिकल प्रेशर। तो आपके ब्लड का प्रेशर नहीं होता आर्टरीज पे, जिसे हम हाइपरटेंशन कह रहे हैं। लेकिन अगर आप ब्लड का ही प्रेशर केवल कम करने की कोशिश करें, हाइपरटेंशन तो जाता नहीं है उससे। आप दवाई खा के करते क्या, ब्लड का वॉल्यूम कम कर देते हो, एस इनहिबिटर खा लेते हो, जैसे कोई लोसाकार, तोजा, रिपेस, कोएंस, लोसार्टन पोटेशियम, टेलमा, टेलमीसार्टन पोटेशियम, ऐसा कुछ खाते हो। और क्या खाते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड करके एक मेडिसिन होती है, क्या करती है आपके किडनी पे जोर डाल के आपके ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड से पानी निकाल देती है। तो थ्रू यूरिनेशन ब्लड का वॉल्यूम सपोज करो 7 लीटर है, वो 5 लीटर हो गया, तो मशीन जो है वो प्रेशर कम बताएगा आपकी बॉडी का। मगर वो प्रेशर कम जैसे ही किया आपने, आपने तो पानी लूज कर दिया ना बॉडी का, बेसिकली आपने कुछ एडजस्ट करने की कोशिश की पानी निकाल के। पानी जैसे ही निकालोगे हार्ट का प्रेशर, हार्ट पे लोड बढ़ जाएगा। इसीलिए आज के टाइम पे हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, यंगस्टर्स में भी हो रहे हैं। हार्ट अटैक हैज बिकम नंबर वन कॉज ऑफ डेथ। क्यों हार्ट अटैक हो रहा है? क्योंकि हार्ट के ऊपर किसी ना किसी तरीके से हम जबरदस्ती लोड डाल रहे हैं, सो कॉल आइडिया पे, अपने आइडिया पे कि हमको ब्लड प्रेशर कम रखना, ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर कम रखने के कारण हम हार्ट अटैक करवा रहे हैं, तो ये तो अच्छी, अच्छा तरीके का सोच ही नहीं है अच्छी, पहली बात तो ये। तो होता क्या है, होता क्या है, ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ जाता है, होता क्या है, आपको एक्सपीरियंस क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी है या किसी की बातें, ये बताइए। आपका अपना एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए या किसी का ज्ञान? आपका एक्सपीरियंस यूज होता है ना, ज्यादा जरूरी होता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको तकलीफ क्या होती है? आपको तकलीफ क्या होती है मालूम है आपको? जरा देखिए बॉडी को तकलीफ क्या होती है। जब भी जोर लगाते हैं तो सांस फूलती है। अगर जोर लगाने पे सांस नहीं फूल रही तो आपको ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले इस प्रॉब्लम तो समझो। किसी फिरंगी ने कोई आइडिया बना दिया, दुनिया भर हमें हार्ट अटैक बढ़ गए, मगर अभी उसका साइंस का टैग डाल के बताओ दुनिया भर को मार रहे हैं। तो आपको जीवन का सेंस दिया था ना जब आप पैदा हुए थे, साथ में इनबिल्ट दिया था, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप जोर लगाते हैं तो सांस फूलती है। प्रॉब्लम क्या है आपकी? जोर नहीं लगा पाते। प्रॉब्लम क्या है आपकी? जोर नहीं लगा पाते। क्या डैमेज होगा? माइक्रो कैपिलरीज बर्स्ट हो सकती हैं। आपको क्या मालूम कि माइक्रो कैपिलरीज कहां है भी कि नहीं है? आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप जोर नहीं लगा पा रहे, लाइफ को जी नहीं पा रहे ठीक से। लेकिन आपको तो ये बताया गया कि ये नुकसान, वो नुकसान, स्ट्रोक हो सकता है। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता वो बाद की बात है, अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब सही जगह पे आइए वापस। जोर कैसे लगाते हैं? सही क्वेश्चन पूछेंगे ना तो सही आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। आप सही क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे और वो आपको कुछ ना कुछ बता रहे। सही सवाल क्या है? जोर कैसे लगाते हैं बताइए। जोर लगाना कमजोर हो गया ना,
जोर कैसे लगाते हैं? बिना सांस रोके लगा पाते हैं जोर? लगा पाओगे? लगा पाओगे? कोई भी जोर लगा के देखिए, सांस रोकना पड़ेगा या ना पड़ेगा बताइए। वेट उठाएंगे, सांस रोकना पड़ेगा। सीढ़ी चढ़ेंगे, सांस रोक के एफर्ट लगाना पड़ेगा। चेयर से उठेंगे, सांस रोकना पड़ेगा। पुश करोगे, सांस रोकना पड़ेगा। पुल करोगे, सांस रोकना पड़ेगा। जंप करोगे, सांस रोकना पड़ेगा। झुकोगे, सांस रोकना पड़ेगा। उठोगे, सांस रोकना पड़ेगा। आप जोर नहीं लगा पा रहे का मतलब क्या हुआ? आपकी सांस रोकने की क्षमता कम हो गई। तो बॉडी प्रेशर बढ़ा के, सांस रोक के प्रेशर ही तो बनाते हैं आप, तो बॉडी प्रेशर बढ़ा के कहता है भैया करो, काम करो। वो तो बचा रहा है आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाकर। आप जोर नहीं लगा पा रहे तो बॉडी कह रहा है नहीं नहीं भाई, जीना है मुझे, तो मैं जोर लगवा देता हूं, थोड़ा प्रेशर बढ़ा देता हूं। आप उसे गलत मान रहे हो। जो शरीर प्रेशर बना के आपको काम करवा रहा है उसको आप क्रिमिनल क्यों बना रहे हो अपने बॉडी को? Why are you making your body into a criminal? When it is increasing the blood pressure, it is telling you, please make effort, do. आपको सपोर्ट मैं कर रहा हूं। ये कोई गलत काम नहीं है। आपकी क्षमता कमजोर होगी तो शरीर आपको हेल्प कर रहा है। आप सांस रोकने की क्षमता बढ़ा लो, कुंभक कर लो, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। क्या इतना भी समझना मुश्किल हो गया है? क्या इतना भी समझना मुश्किल हो गया है? क्योंकि हम पढ़ लिख गए हैं। हम पढ़ लिख गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सारा का सारा बुद्धि एकदम से डस्टबिन में डाल देना चाहिए। प्लीज रिमेंबर, योर एजुकेशन मेक्स यू अनइंटेलिजेंट, बट यू हैव अ चॉइस टू यूज योर विजडम। अब प्रोसेस में करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी सांस रोकने की क्षमता कम है, आपकी एक टांग कमजोर है। आप मैराथन तो मत दौड़िए, अभी थोड़ा चलिए, थोड़ा लंबा चलिए, धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए। जब पांव में स्ट्रेंथ आ जाएगी तो कुछ भी करो। इसीलिए ये गाइडेड वे में होना चाहिए, क्योंकि बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। गाइडेड तरीके से होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैनर में होना चाहिए, एक तरीके से होना चाहिए। करेंगे आपका ब्लड प्रेशर वैसे ठीक हो। एक बात मैं आपको बता देता हूं, मैं रीसेंट का एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, दो दिन पहले का एग्जांपल दे रहा हूं, दो दिन पहले, आज बल्कि दो, आज ही रिलीज किया है इसको। रिलीज क्या किया है? तीन हार्ट अटैक एक साथ आए, तीन हार्ट अटैक एक साथ आए, एक कुंभक के प्रैक्टिस करने वाले को। मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये भी नहीं बताऊंगा कौन है, क्योंकि ये डिस्क्लोज करना किसी की आइडेंटिटी अच्छी बात नहीं है, हम लोग नहीं करते ये। तो तीन हार्ट अटैक में बचेगा कोई? करंट डिस्पेंसेशन, जो करंट आपको समझ में आता है उसमें कहते हैं तीन हार्ट अटैक, एक भी नहीं, मैं भी नहीं बच रहा आज तो, आजकल एक भी में नहीं बच रहे। तीन हार्ट अटैक में कुछ भी नहीं हुआ, घबरा के हॉस्पिटल पहुंच गए, कुछ गड़बड़ अच्छा नहीं लग रहा था, बोला कि अरे ये तो बड़ा मेजर हार्ट अटैक है, तो मॉनिटर किया, फिर पता चला नहीं आपके तो सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है। क्या करते हो आप? तो उन्होंने बताया नहीं क्या करते हैं, मगर एक केस में बता रहा हूं रीसेंट का। ऐसे में कई केसेस आपको बता सकता हूं। कुंभक प्रैक्टिशनर, हार्ट अटैक आ गया, पता भी नहीं चला, दो स्टेंट है हार्ट के अंदर, दो स्टेंट पहले डले हुए थे, कुंभक प्रैक्टिस करना शुरू किया, दवाइयां छोड़ दी सारी के सारी, ठीक है, हार्ट अटैक आया, पता भी नहीं चला। किसी एक दो तीन, तीन दो के बाद तीन और आए, ना दवाई खा रहे हैं ना हॉस्पिटल जा रहे हैं। एक डॉक्टर फ्रेंड था उसके पास चले, उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारा टेस्ट कर ईसीजी कर देता हूं, पता चला अरे तुमको तो हार्ट अटैक आया हो, ये तो मुझे तो पता ही नहीं चला। ये कैसे हो सकता? जब आपके बॉडी का टॉलरेंस, क्या पहले हार्ट अटैक नहीं आते थे? क्या पहले ये बुजुर्गों को कभी हार्ट अटैक नहीं आता होगा? नहीं, उनका उनका टॉलरेंस इतना था कि उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर वो सारी चीजें हैं कि ये अपने आप को कैसे बचा सकता। आप इसको बार बार एक केमिकल बॉम्ब डाल डाल के इसको बॉम्बार्डिंग कर देते हैं,
इसको क्रिमिनल बना देते हैं, बुखार आता है कोरोना को ठीक करने के लिए, फ्लू को ठीक करने के लिए आप पैरासिटामोल खा लेते हो, बॉडी को गर्म ही नहीं होने देते काम करने के लिए, उल्टी होती है उल्टी बंद कर देंगे, दस्त होता है दस्त बंद कर देंगे, दर्द होता है दर्द बंद कर देंगे, क्रिमिनल बना दिया बॉडी को, और इसको कहते हैं साइंस, इसको साइंस कहते हैं। अरे साइंस तो मार्केटिंग का तरीका है, टैग लगा दिया तो मार्केटिंग हो गई, बट ये साइंस नहीं हो सकता, किसी को टॉर्चर करना साइंस तो नहीं हो सकता। तो अब देखिए आप बाकी चीजों से तो नहीं बच सकते, क्योंकि सब कुछ रिस्क हो गया। अब भोजन खाते हैं क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड इनऑर्गेनिक प्रोसेस्ड, रिस्क है आपका भोजन नहीं, एनवायरमेंट डिविएट कर दिया, 100 साल पहले जो वातावरण था जीवन पैदा करने के लिए जो सुगम वातावरण था वो खराब कर दिया, तो आपके लिए तो बाहर भी रिस्क है, खाते हैं वो भी रिस्क है, ऊपर से और केमिकल बम। बेचारा ये शरीर देखिए आप आज बचा के फिर भी अगर रख लिया इसने तो शाबाशी देनी चाहिए, है कि नहीं है? 200 साल पहले 100 साल पहले कितने लोगों को हार्ट डिजीज था, कितने लोगों को डायबिटीज थी, कितने लोगों को थायराइड था, कितने लोगों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था, कितने लोगों को कैंसर था, ये तो हमें आज ही हो रहा है ना, क्योंकि हमने ये बनाया है। मगर झेल कौन रहा है इसमें, आपका शरीर, आपका शरीर एक ही काम जानता है कैसे ठीक करना है, रीजेनरेशन रीजुवनेशन, आपका शरीर एक ही चीज जानता है अपने को ठीक करना। तो इसके साथ में जब भी छेड़छाड़ करेंगे, जब भी छेड़छाड़ करेंगे आप खत्म कैसे करेंगे, रिजुवनेशन कैपेबिलिटी को, आपके शरीर को ठीक करने की जो काबिलियत है आपके शरीर को उसी को खत्म करेंगे। तो कुंभक से इसको एम्पावर कर दीजिए, नंबर की तरफ में ध्यान मत दीजिए, कुंभक जो कर रहा होगा कितना भी ब्लड प्रेशर उसका हाई लो हो कुछ नहीं होने वाला उसको, हार्ट अटैक भी वो बंदा सहन कर जाएगा अगर उसने अपने शरीर को बिल्कुल ही बर्बाद ना कर दिया हो तो। ठीक है, कुंभक कर रहे होंगे तो ना तो आपके शुगर लेवल आपको नुकसान करेगा, ना ब्लड प्रेशर नुकसान करेगा, ना आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आपको नुकसान करेगा, क्योंकि आपके बॉडी का टॉलरेंस बढ़ जाएगा। ये तो इमरजेंसी में सबको चाहिए, नहीं तो सरकार भी आपको वैक्सीन लगवा देगी ना, केमिकल डलवा देगी आपके शरीर में, क्या करोगे, उसे बच नहीं सकते, घर वाले उठा के कहीं ले जाएंगे, थोड़ा भी कुछ हुआ पता नहीं कितने इंजेक्शन आपको डाल दिए जाएंगे शरीर के अंदर, उससे आप बच नहीं सकते, लेकिन उसके साइड इफेक्ट जो होने वाला जो नुकसान वाला उससे तो बच सकते, खराब भोजन से नहीं बच सकते, मगर खराब भोजन से जो नुकसान होगा आपके शरीर का, एलर्जी होती है बॉडी बॉडी फेंकना चाहती है बाहर, उससे बच सकते हैं, एलर्जी ठीक हो जाएगी आपकी, टॉलरेंस बढ़ाएंगे। तो मैंने एक ही पक्ष बताया है अभी आपको कुंभक का, कुंभक आपके बॉडी का टॉलरेंस बढ़ाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, कुंभक करोगे आप देखोगे कि आपको एफर्ट लगाने में सांस नहीं फूलेगी, सिंपल सी बात, कितना आसान तरीका ठीक करने का, बस आपका ठीक हो गया वो प्रॉब्लम। तो फिर टॉलरेंस आपकी बॉडी का बढ़ा देगा, इसके अलावा और क्या करेगा, फंक्शनिंग आपके ऑर्गन्स की बढ़ा देगा, लिवर ठीक काम करेगा, हार्ट ठीक काम करेगा, इसको अच्छी कैपेसिटी बना देगा। मगर ये मत सोचे कि अगर आप 80 साल के हैं तो वापस से 20 साल के हो जाएंगे, लेकिन ये है कि 80 साल के होंगे तो उस टाइम वो टाइम आपका बहुत सुंदर हो जाएगा, ठीक है ना, 20 साल के बराबर आप इतना जंप नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे, मगर इतनी बात है थोड़ा जंप करेंगे तो भी नुकसान नहीं होगा, और मन में खुशी होगी और बीमारी नहीं होगी कोई आगे, है ना। हॉस्पिटल में जाके आजकल तो क्या है, बच्चा पैदा कहाँ होता है हॉस्पिटल में, बंदा ऊपर कहाँ खत्म कहाँ हो रहा है हॉस्पिटल में, शरीर त्याग भी हॉस्पिटल में, शरीर को लेना भी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल जाने की जरूरत कम हो जाएगी आपकी, बंद हो जाएगी बिल्कुल, ये हो सकता, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने 50 साल तक अपने शरीर का नुकसान किया तो 1 साल तो दीजिए, अगर आपने 20 साल 30 साल नुकसान किया तो 3 महीने 6 महीने तो दो, इतना देंगे रिकवरी के लिए तो आप देखेंगे ये जितनी भी प्रॉब्लम कही जा रही है आपकी सारी दवाइयां बंद हो जाएगी। हम पर बहुत केसेस हैं ऐसे, दवाइयां बंद हो जाती है, बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है बंदा, तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीलम मैम।
ब्रीदिंग प्रॉब्लम, डायबिटीज, एस्थमेटिक, वीजिंग अ लॉट एट नाइट एक्सेट्रा. व्हेनेवर यू हैव मल्टीपल इश्यूज, आप क्या करें, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? अभी मैं आपको बता तो दूंगा कुछ इसके बारे में, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, अगर आप नीचे चैट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ेंगे या आप व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें भी हैं उसमें बोलेंगे कि कोई कॉल बैक मुझे कर ले, तो क्या आप डिस्कस कर सकते हैं, सारा बता सकते हैं, ये पहले हुआ, वो हुआ, वो हुआ, तो क्या होता है कि हमें आइडिया लग जाता है शुरुआत कहाँ से हुई है, क्या इशू इनका सबसे बड़ा है, ताकि हम उसे सही प्रोग्राम में गाइड करें. अच्छा, अब एक बात, जब हम कहते हैं देखो डायबिटीज किसी को है या नहीं है बहुत डाउटफुल है, आपको बोल तो दिया कि डायबिटीज है, लेकिन बोला किस वजह से, कि आपका शुगर लेवल मेजर किया या HbA1c मेजर किया और आपको बोल दिया डायबिटीज, मगर जरूरी नहीं, क्योंकि कई बारी क्या होता है, एक इंसान अगर सिंपल इन्फेक्शन में भी आ जाएगा ना तो उसका शुगर लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि शुगर चाहिए ना ठीक करने के लिए इन्फेक्शन, तो बॉडी बढ़ा देता है, मगर आपको शुगर मतलब डायबिटीज ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि शुगर लेवल हाई देखा तो बोल देंगे डायबिटीज है जी, पर वो ठीक नहीं है. आपको मालूम है प्रेगनेंसी में भी शुगर लेवल बढ़ता है, आजकल उनको डायबिटीज ट्रैक किया जा रहा है, बहुत बुरी बात है. इसीलिए प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, मैंने 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे देखे जो कि Type 1 मतलब इंसुलिन दिया जा रहा है उनको. प्रेगनेंसी में एक बेबी को बनाने के लिए क्या एनर्जी नहीं चाहिए? चाहिए, तो बॉडी तो उसको बढ़ाएगा ही, प्रेशर भी बढ़ाएगा, क्यों, उसी से काम होता है अंदर, बिना प्रेशर के तो कोई भी काम नहीं होता, तो उनको टैग करना गलत है. अगर वो लेडी एक्टिव कर दो, फिजिकली एक्टिव कर दो, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है. इसीलिए पुराने टाइम में जो हमारे घर में बुजुर्ग थे वो क्या करवाते थे, किसी गर्भवती महिला को बैठने नहीं देते थे, कहते थे चलो काम करो और काम करो, और उससे वो सारी चीजें, उससे क्या होता था, बेबी भी अच्छा डेवलप होता था, ब्लड प्रेशर बढ़ाने की शरीर को, आजकल तो बिस्तर पर लेटा देते हैं तो ऑब्वियसली बॉडी कहेगा कि भैया काम करो, तो अपना प्रेशर तो बढ़ाएगा ही, आपकी हेल्प करेगा, मगर फिर इसको दवाई देके कम कर देंगे, देखो कितना नुकसान कर रहे हैं. तो शुगर लेवल बढ़ना डायबिटीज का इंडिकेटर नहीं है, डायबिटीज के इंडिकेटर्स तो हमें मालूम ही नहीं है कि क्या है, हमें लगता है कि शायद है. क्या आपको मालूम है डायबिटीज, किसी को मालूम ही नहीं है कि होता क्या है, क्योंकि अगर आप अपने डॉक्टर से या गूगल में भी जाके अगर टाइप करेंगे ना, बोलेंगे कि ये डायबिटीज क्या, तो कहेंगे शुगर HbA1c बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, शायद इंसुलिन ज्यादा हो गया, इनटॉलरेंस हो गया है, रेजिस्टेंस हो गया है, क्यों हो गया, शायद विसरल फैट बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया, नहीं जी हमें नहीं मालूम, आखिर में कहां पहुंचेंगे, हमें नहीं मालूम जी, डायबिटीज क्या होती है हमें नहीं मालूम जी, ब्लड प्रेशर क्या होता है हमें नहीं मालूम जी, थायराइड क्या होता है हमें नहीं मालूम जी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है हमें नहीं मालूम जी, लेकिन इलाज तो हम ही करेंगे आपको. क्या कमाल के, आप देख ही नहीं रहे उस बात को, लाइन लगा के बैठते हैं ना आप, वो आपको कोई बात नहीं समझाते, और जो फीस मांगते हैं आप देने को तैयार है ना, इंश्योरेंस कराने को भी तैयार है, तो दुनिया में इलाज कौन कर रहा है जिसे मालूम ही नहीं कि बीमारी क्या है, क्या विडंबना है, क्या विडंबना है, मालूम ही नहीं क्या है वो इलाज कर रहे हैं. ऑब्वियसली बीमारी एक भी ठीक नहीं होगी, कौन एक बंदा बता दो डायबिटीज का 100 साल में जो दवाई लेके ठीक हो गया, मगर आप देखेंगे नहीं वो बात, क्योंकि सामने वाले ने, क्योंकि 200 साल अंग्रेज राज करके गए, ज्यादा ही मेरे ख्याल से, वो दिमाग में आज भी बैठा हुआ है ना, वो टाई पहन के कोई बंदा हो जाएगा तो समझदार हो जाता है, तो टाई पहन के आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, टाई पहन लो,
अब इससे निकलना पड़ेगा हमको, कम से कम इस सोच से हमको कम से कम निकलना पड़ेगा। अब अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें। डायबिटीज जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऐसा मान के चलते हैं, आप जो खा रहे हैं ना उसको आपका शरीर ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, सीधी सीधी बात। यानी कहते हैं जब आप भोजन करेंगे ना शरीर को मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स करना चाहिए, यानी भोजन को पचाने के लिए सारे काम करने चाहिए। अगर गलत चीज खाएंगे तो उसको खत्म करने के लिए या निकालने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स करना चाहिए। ये दो ही रिस्पॉन्स करता है आपका शरीर, या तो भोजन जाएगा आपके शरीर में या गलत चीज जाएगी। वैसे एक बात तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेडिसिन आपका भोजन नहीं होता। अगर ये होता तो ये पेड़ों पे लटका होता ना, टैबलेट और इंजेक्शन ऐसे लटकने चाहिए थे। ये आपका भोजन नहीं है तो ये हमेशा ही खतरा है आपके लिए। आप सोचते हैं ये आपको ठीक कर सकते हैं, 100 साल में तो इसने बीमारियां बढ़ा दी है, ठीक तो किया नहीं। अगर इन्फेक्शन छोड़ दें केवल तो 70% से ज्यादा प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट टचिंग 80% प्रॉब्लम का तो इलाज ही नहीं। तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स क्यों खराब हो रहा है, यानी कि मैं आपको बता रहा हूं डायबिटीज क्यों हो रही है, ठीक है। मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि आप जो भोजन के नाम पे डाल रहे हैं ना वो ठीक भोजन नहीं है, दूसरा केमिकल डाल रहे हैं, तीसरा आपने वातावरण ही खराब, सांस भी ले रहे हैं वो भी गड़बड़ है, तो शरीर को तो हमेशा ही खतरा हो रहा है ना। तो वो बेचारा मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स को कम करेगा ना, इम्यून रिस्पॉन्स को ज्यादा करेगा। उसको काम क्या करना है, खतरा आ गया तो खतरे को लड़ना है ना उसको। आपके घर में खतरा आया तो आप भोजन बनाएंगे या खतरे से लड़ेंगे, आप खतरे से लड़ेंगे तो आपका शरीर भी खतरे से लड़ता। इसे कहते हैं एड्रिनल ओवर एक्टिविटी। क्या कहते हैं, एड्रिनल। अब थोड़े से शब्द बोल रहा हूं, देखो ये शब्द बोल के आज तक कोई ठीक नहीं हुआ, आपको फंसाया गया ऐसे ही नाम के चक्कर में। किसी ने अंग्रेजी बोल दी, आपने सोचा अरे बड़ा बुद्धिमान, अंग्रेजी बोल के कोई बुद्धिमान थोड़ी बन जाता। सबसे मूर्ख प्रजाति है फिरंगी, ये बात अलग है कि हमने सोच लिया कि समझदार। तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी कहते हैं, यानी और आसान तरीके से समझा रहा हूं, देश में दो हेड होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। जब लड़ाई नहीं हो रही है, जब आपातकाल नहीं है, तो प्रधानमंत्री बॉस है, राष्ट्रपति चुपचाप बैठा हुआ। जैसे ही आपातकाल आता है प्रधानमंत्री चुपचाप बैठ जाता है, राष्ट्रपति उठ जाता। तो अगर आपके शरीर में 24 घंटे आपातकाल डाल दिया आपने, सांस भी ले रहे हैं वो भी गड़बड़, भोजन खा रहे हैं वो भी गड़बड़, और ऊपर से दवाई खा रहे हैं, तो ये बेचारा शरीर अपना प्रधानमंत्री को उठाएगा या राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को उठा के रखेगा, क्योंकि आपातकाल है पूरा टाइम। इसी को कहते हैं एड्रिनल ओवर एक्ट। एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं किडनी के ऊपर, वो आपातकाल को हैंडल करने के काम करते हैं। तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी हो रही है हर एक इंसान के अंदर। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगी तो थायराइड, जो कि प्रधानमंत्री है, वो नीचे जाएगा ना, चुपचाप बैठेगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म कितने लोगों को हो रहा है, आप जरा गूगल में टाइप करके देखो। दूसरा तरीके का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है डायबिटीज। तो डायबिटीज भी वही है, मेटाबॉलिज्म ही ठीक नहीं है तो इस्तेमाल क्यों करेगा अच्छे से आपका शरीर। और भी तरीके से मैं समझा सकता हूं, ये एक तरीका मैंने समझाने के लिए आपको इस्तेमाल किया कि क्यों हो रही है डायबिटीज। और भी तरीके से समझा सकता हूं, और भी तरीके समझाने के, लेकिन क्या है, कितना भी समझाएंगे तो आप ठीक तो नहीं होंगे। ठीक कैसे होंगे, जब शरीर को थोड़ा एम्पावर कर दिया, इस पे थोड़ा काम कर लिया, ये जो वीक हो चुका है इसको थोड़ा उठा दिया, इसकी शक्तियां वापस लेके आए। 84 अलग अलग शक्तियां होती हैं इसकी, जो 6 बेसिक शक्तियों में कन्वर्ज होता है, देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, ये 6 शक्तियां हैं मेन। इसको ये 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है, 7 तरीके के टिश्यूज फॉर्म होते हैं आपके शरीर में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये कमजोर होगा तो टिश्यूज नहीं बनेंगे। अच्छा, और पीछे आते हैं थोड़ा, लोगों की प्रकृति होती है, यानी ये पैदा होते हैं ना तो उनके शरीर की प्रकृति होती है, टाइप होता।
कुछ लोगों का टाइप क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, उसे कहते हैं वात कफ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है कि उनके शरीर में कोई भी चीज आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। वात कफ का मतलब क्या हुआ? एक कफ वो चीज है, ऐसा मान के चलो कि चाय की छन्नी है, चाय की छन्नी है और आपने चाय छानी, उसमें मलाई आ गई है, वो मलाई चाय की छन्नी में जैसे जाएगी ब्लॉक कर देगी ना, चाय जाएगी नहीं, छनेगी नहीं। तो वो मलाई क्या है? वो मलाई जिसने ब्लॉक किया वो है कफ। और कहते हैं उसको वात का मतलब फ्लो, तो वात कफ का मतलब होता है फ्लो को रोक देना। अब वही चीज वो बचपन से या फिर समय के साथ में किसी एक उम्र के पड़ाव में क्या देखेंगे कि उनको सांस लेने में ना कभी कभी जोर लगता, यानी कि ऐसे लोगों की लंग कैपेसिटी वैसे ही कमजोर होती है क्योंकि फ्लो ही नहीं हो रहा। तो लंग कैपेसिटी वैसे ही कमजोर होती है, जब लंग कैपेसिटी कमजोर होगी, फ्लो नहीं हो रहा, तो ये मेटाबॉलिक इंपैक्ट भी डालेगी, ये ब्लड प्रेशर यानी शरीर में किसी चीज के फ्लो को भी रोकेगी, जिसका हार्मोन इंबैलेंस भी होगा, ब्लड के फ्लो में भी इश्यू आएगा, लिम्फेटिक फ्लो में भी चीजें निकलेंगी भी नहीं, डिटॉक्स भी नहीं होगा शरीर का ठीक से। तो अगर ऐसे लोगों के शरीर में अगर थोड़ी हीट जनरेट कर दें, थोड़ी गर्माइश ला दें, पहला सपोर्ट क्या करना है? कुंभक का, प्रेशर का। देखो चाय की छन्नी नहीं छन रहा, आप चम्मच ऊपर से डालोगे और प्रेशर डालोगे धन्यवाद, तो क्या होगा? छन जाएगा ना, आपके अंदर कोई चीज उधर नहीं जा रही, अंदर प्रेशर क्रिएट करोगे तो जाने लगेगी ना। तो अंदर छन्नी होती है हर एक सेल के अंदर, वहां पे विसरल फैट होता है, विसरल फैट कहते हैं उसको, वहां पे जो मलाई जमी है, जो फैट जमा हुआ है, जिसकी वजह से डायबिटीज होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, जिसकी वजह से थायराइड होता है, वो विसरल फैट है। आप बाहर से तो एक्सरसाइज करके, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करके थोड़ा बाहर के फैट को कम कर सकते हो, अंदर का फैट कम नहीं होता। पतले लोगों में भी अंदर का फैट होता है, विसरल फैट तो इंटरनल रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करना पड़ेगा ना। वो कैसे करेंगे? वो सांस रोक के करेंगे ना, वो कुंभक करेंगे तभी होगा, वरना तो कोई चांस नहीं है। वो कुंभक करने से, कुंभक करने से फ्लो बढ़ेगा। अब देखिए दूसरी चीज, जब भी एक और तरीका अपनाते हैं ना, अगर चाय की छन्नी ऐसे बहुत समय हो गया तो थोड़ा गर्म कर दीजिए उसको, तो अच्छा छानने लग जाती है ना। तो आप थोड़ा अंदर गर्मी अगर पैदा करेंगे तो आपके अंदर चीजें आसानी से होना शुरू हो जाएंगे। पर गर्मी कैसे पैदा करेंगे? बाहर से गर्मी देंगे तो शरीर ठंडा कर देगा। कुंभक करेंगे ना, 15 मिनट कुंभक करो, देखो पसीना आने लग जाएगा, शरीर गर्म हो जाता है। तो आपकी जठर अग्नि, गाढ़े पत्ते अग्नि, ये जो अग्नियां हैं आपके शरीर में, ये शरीर में अगर बढ़ाना है तो भी कुंभक करना पड़ेगा। इसीलिए कुंभक आयुर्वेद का सबसे पावरफुल प्रोसेस है जो खो गया। कुंभक से वात कंट्रोल होता है, पित्त जो कि टेम्परेचर रेगुलेशन है वो कंट्रोल होता है, और कफ पिघलता है। तो कुंभक करेंगे ना तो वो इंसान पहली बात तो मोटा नहीं हो सकता। हम लोग घी पिलाते हैं, कुंभक कराते हैं, घी पिलाते हैं, और मैं तो कभी कभी 100-200 ml पी जाता हूं। किसी टाइम पे मेरा वेट 106 किलो था और अभी मैं कुछ भी खाऊं पीऊं वो वेट 67 से ऊपर जाता ही नहीं। तो आप खाने पीने में रेगुलेट करके, जोर जबरदस्ती करके फैट को थोड़ा बहुत कम कर लोगे, मगर बॉडी को और टॉर्चर कर दोगे, नुकसान कर दोगे। इसके जड़ को ठीक कीजिए, रूट को ठीक कीजिए, और ये शरीर हमेशा हेल्थ के लिए डिजाइंड है, बीमारी के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पे हमको पकड़ना पड़ेगा, विसरल फैट कम करना है जिससे कि बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बीमारियां होती हैं, तो आपको अंदर कुंभक करना पड़ेगा, है ना। वात पित्त कफ को कंट्रोल करना है, कुंभक कर सबसे पावरफुल तरीका। देखो बाहर से भी सपोर्ट लिया जा सकता है,
पर बाहर से सपोर्ट आपकी शक्ति नहीं है। भोजन खाके आप मैराथन नहीं चल जाते या दौड़ जाते, भोजन खाने में आपकी शक्ति खर्च होती है ना। कोई दवाई आपका मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव नहीं करेगी, क्योंकि वो आपके शरीर की एक शक्ति है। कोई दवाई शक्ति नहीं बढ़ाती आपके शरीर की, आपका शरीर ही बढ़ाता है बस। कोई भोजन शक्ति नहीं बढ़ाती, कोई मेडिसिन चाहे केमिकल हो चाहे नेचुरल हो, वो आपके मूलभूत शक्तियों को नहीं बढ़ाती हैं। उसके लिए आपको अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा, और वो भी अंदरूनी काम करेंगे तो सीधा सीधा रिजल्ट बाहर से भी रिजल्ट मिलता है, मगर क्या इनडायरेक्ट है, और बाहर करने में ज्यादा एफर्ट लगता है। आपको बोलेंगे रोज आप 40 मिनट चलो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर शरीर कमजोर है। लेकिन अगर आपको ये कहेंगे कि रोज आप 20 मिनट बैठ के कोई काम कर लीजिए, वो आपके लिए सुगम है, आसान है और ज्यादा पावरफुल है, वही कुंभक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the participants, anybody who would like to ask their question can please raise their hands. In the meanwhile, Soijanya ma'am writes, I have chondromalacia patella, cartilage problem in the knee in the fourth stage, already doing ashtang. I am obese too. So can she join Ameda? See, Greco-Roman shabdavali mein इतने बड़े बड़े नाम रखे हुए, ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पता है। वो जहां जाते हैं कहते हैं हमने डिस्कवर किया, पहले जो लोग रह रहे हैं वो पता नहीं है ना। अमेरिका में पहले लोग रह रहे थे रेड इंडियंस, कहते हैं अमेरिका हमने डिस्कवर किया। अरे जो पहले लोग रह रहे हैं वो किया है। ये ना अंग्रेजों की बड़ी भारी प्रॉब्लम है, थोड़ा मानसिक प्रॉब्लम ज्यादा है उनकी। वो कुछ भी नाम रखने में बड़ा भरोसा करते हैं, ठीक कुछ भी नहीं करते। कार्टिलेज, आपके शरीर में जो कार्टिलेज है क्या वो रिपेयर होता, क्या कार्टिलेज कभी आपके जीवन में छोटे से बड़े हुए? बचपन में हुए ना, सबके हुए। छोटा सा इतना सा बच्चा, इतना सा घुटना उसका, इतना बड़ा हो गया ना। कार्टिलेज बड़े कि नहीं बड़े, हड्डी बड़ी कि नहीं बड़ी, मसल्स बड़े कि नहीं बड़े, यानी आपका शरीर ये जानता है कि रीजनरेशन कैसे करना है। जानता है कि नहीं जानता? जानता है, मगर रीजनरेशन क्यों नहीं कर पा रहा? तो पिछली बार जो बताया मैंने उसके साथ कनेक्ट करो। मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, यानी आपके शरीर में जो चीज चाहिए कुछ बनने के लिए वो नहीं, शरीर उसको ले पा रहा या बना पा रहा। इसीलिए आज के टाइम पे आप देखें हर एक के शरीर में कुछ ना कुछ डिफिशियंसी होती है। आप कैसा भोजन कर रहे हैं जरा याद कीजिए, 50 साल पहले आपके पूर्वज जो थे वो कैसा भोजन करते थे? जो मिल जाता था वो भोजन करते थे, है ना। उनको इतनी सारी चीजें नहीं मिलती थी। आज तो आप कुछ भी खा रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है आपको। गर्मी के मौसम में आम तो खा ही रहे हैं, साथ में पता चल रहा है कि सेब भी खा रहे हैं और संतरे भी खा रहे हैं। इतना कुछ अच्छा भोजन करने के बाद में आपको ही डेफिशिएंसी है, उनको तो डेफिशिएंसी कोई नहीं थी। तो प्रॉब्लम तो कहीं और है, देख गलत जगह रहे हैं। तो आपके शरीर के अंदर डेफिशिएंसी विटामिन B12 कैल्शियम की इन सब की नहीं है, क्योंकि अगर होती तो कैल्शियम खा के सबके ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाते। एक इंसान का भी ठीक नहीं होता, एक का भी ठीक नहीं होता। तो कैल्शियम की कमी बोलना सही तरीका नहीं है। आपका शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, भोजन से खींच नहीं पा रहा, यूज नहीं कर पा रहा, ऐसा बोलना ज्यादा सही है। तो डेफिशिएंसीज की वजह से रीजनरेशन पे असर पड़ता है, रीजनरेट नहीं हो पाती। अच्छा, खींचने के लिए क्या करना पड़ता है आपको?
खींचने के लिए क्या करना पड़ता है? तो पहले देखिए फूकने के लिए क्या करना पड़ता है। सपोज कीजिए आप जूस पी रहे हैं और एक पल्प आपके स्ट्रॉ में घुस गया और आप उसको खींच नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे? उसको बाहर निकाल के जोर सा फूक देंगे, निकल जाएगा, फिर आप आराम से पी पाएंगे। जो फूकने के लिए आपने सांस पीछे पहले रोका था, मालूम है आपको? खींचने के लिए भी खींचने की शक्ति आपके सांस रोकने की शक्ति के साथ में प्रोपोर्शनल है, सीधी सीधी जुड़ी हुई है। तो अगर खींच नहीं पा रहा आपका शरीर, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, एसिमिलेट नहीं कर पा रहा, तो क्या शक्ति कमजोर हो गई? कुंभक शक्ति कमजोर हो गई। तो कुंभक करेंगे तो ये डेफिशिएंसीज भी खत्म हो जाएगी, रीजनरेशन बढ़ेगा, आपके शरीर का रीजनरेशन बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, रीजनरेशन बढ़ेगा तो आपका रीजनरेशन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मगर उसमें टाइम लगता है। 100% बढ़ेगी मगर उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक आपने वो किया ही नहीं का। आज भी शुरू करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ऑफ अ पर्सन इट माइट टेक टाइम, किसी का 6 महीने, किसी का साल भर, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल भी लगेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही कुंभक करना शुरू करेंगे, हो सकता है रीजनरेशन अभी प्रॉपर नहीं हुआ, टाइम लगेगा रीजनरेशन में, मगर आपको चलने में इमीडिएटली आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको जोर लगाने में आसानी हो जाएगी तो आपको चलने में इतनी तकलीफ नहीं होगी। बीच बीच में ही होगी जब कंडीशन सपोज करो मौसम की वजह से खराब, अभी बारिश का मौसम है ना, शरीर के अंदर दर्द बढ़ जाते हैं, तो उस समय अपने भोजन थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा ये देखना चाहिए कि क्या करना, शरीर को थोड़ा चलाने की, हल्के हल्के, ज्यादा जोर से नहीं चलाने की कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा हैवी काम नहीं करने चाहिए, जिनको प्रॉब्लम है तो अगर उसको थोड़ा ख्याल रखेंगे, अभी इन्फेक्शन भी होते रहते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना, अगर कुंभक करेंगे तो पता चलेगा कि अंदर इन्फेक्शन आपको पता ही चल रहा, लेकिन थोड़ी तकलीफ आएगी क्योंकि आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, बॉडी अपने आप ही ठीक कर लेगा। ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे आते आते आप देखेंगे एक ऐसा टाइम आएगा चलने में आपको आसानी हो जाएगी। शुरुआत में ही आप जोर लगाना चालू कर देंगे मगर क्या होगा, थोड़े टाइम में ही आप देखेंगे कि आपको चलने में आसानी हो जाएगी। अभी तक रीजनरेशन पूरा नहीं हुआ लेकिन फिर भी चलने में पहले के मुकाबले में आसानी होगी। जो दर्द के फैक्टर थे, अगर उसको ठीक से हैंडल करेंगे कुंभक को, तो पता चलेगा दर्द के फैक्टर कम होते जाएंगे, धीरे 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 कम होते जाएंगे और बिल्कुल आपको दर्द की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका शरीर इतना एनेबल हो जाएगा कि फिर आपको रीजनरेशन भी हो जाएगा। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं स्पोर्ट्स का बंदा था, हर एक तरीके का स्पोर्ट्स खेला, तो शरीर में हमेशा जोर ही लगाया, ऐसे लोगों का शरीर जल्दी खराब होता और ऊपर से शरीर के सारी हड्डियां टूटी हुई, फुटबॉल खेलता था इसीलिए घुटने और उससे नीचे सारी हड्डियां टूटी हुई, ठीक है ना। तो क्रिकेट का भी प्लेयर था, सभी गेम तो मैं सभी खेलता था, मगर क्या है कि बॉडी में नुकसान, बड़ा नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, उसके बाद चिकनगुनिया हो गया, सारे ज्वाइंट ऐसे हो जाते हैं, दवाई भी नहीं ली, ठीक भी हो गया, ज्वाइंट में अभी किसी ज्वाइंट में पेन नहीं है, सारे टूटे हुए ज्वाइंट्स हैं मगर किसी ज्वाइंट में पेन नहीं है। क्यों पेन नहीं है जबकि पहले बहुत पेन, और बीच में कभी कभी आता है लेकिन ठीक हो जाता, क्यों? क्योंकि कुंभक की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है, रिजनरेशन हो जाता है, ठीक हो जाता है, वरना तो मैं 2 मंजिल से फर्श पे, हार्ड फर्श पे गिरा हुआ बंदा हूं जिसकी कमर टूटी हुई है, मगर आप पता ही नहीं चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पता ही नहीं चल रहा, देखने में पता नहीं चलेगा किस वजह से, क्या ऐसा था जिसने कि वो अंदरूनी शक्ति दी है, वो कुंभक। इसीलिए ये जो कुछ मैं सिखा रहा हूं वो अपने ऊपर किया हुआ काम है, अगर आप इसे ठीक से हैंडल कर पाए तो देखेंगे कि आपका जीवन पूरे तरीके से बदल देगा। ये सबसे पावरफुल चीज है और इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको दवाई नहीं बचा सकती, आपको अच्छा भोजन नहीं बचा सकता, आपको एनवायरमेंट उसी में रहना पड़ेगा, ठीक करोगे हवा पानी ठीक करोगे 200 साल 300 साल लगेंगे। तो इस समय सबसे जरूरी चीज क्या है, आपका शरीर इन सभी गलत चीजों को सहने लायक बना लीजिए,
तो नुकसान नहीं होगा। दवाई खा रहे हैं तो नुकसान से बचने के लिए कुंभक करिए, दवाई का नुकसान नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा, साइड इफेक्ट जो हुआ वो चला जाएगा। हमारे कैंसर के प्रोग्राम में जो लोग कुंभक करते हैं वो कीमोथेरेपी के बाद में थोड़ी देर में उठ जाते हैं बेड से, कुछ लोग तो कुछ घंटे में उठ जाते हैं। पहले जो हफ्ता हफ्ता भर उठ नहीं पाते थे वो कुंभक करने के बाद में कुछ ही घंटे में उठ जाते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। इतना एम्पावर कर सकता है कुंभक आपको। तो इसीलिए ये एस्पेक्ट जो है वो जरूरी है कि आप अपना टॉलरेंस बढ़ा लो, आप अपना बॉडी के स्ट्रेंथ्स जो अंदर के शक्तियां हैं उसको आप बढ़ा लीजिए। और रीजनरेशन तो आपका शरीर करता ही है, ठीक है ना, तो रीजनरेशन आपका शरीर कर सकता है। टाइम वेरी करेगा मगर एक बात देखिए, अगर अभी के मुकाबले में आप 60%, 50%, 60% ठीक हो जाते हैं कुछ ही महीने में, तो क्या आपको नहीं करना चाहिए? कोई और तरीका है? एक्चुअली कोई और तरीका है ही नहीं। धन्यवाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सौजन्या मैम, प्रोटीन एंड फैट डाइट खाना खाने को बोलता है, इज दैट ट्रू फॉर वेट लॉस? प्रोटीन और फैट एक साथ तो नहीं बोलते, या तो फैट बोलते हैं या तो प्रोटीन बोलते हैं। कीटो डाइट में क्या होता है, फैट बोलते हैं वो। अच्छा, प्रोटीन में भी कुछ जगह प्रोटीन बोलते हैं ज्यादा खाने के लिए। पहली बात तो प्रोटीन कितने लोगों ने देखा है यहाँ पे, अब तो सब कैमरा बंद करके बैठते हैं तो आपसे बात भी कैसे करें। कितने लोगों ने प्रोटीन देखा है यहाँ पे, देखा है कहीं प्रोटीन देखा है आपने कभी, किसी ने देखा है प्रोटीन? नहीं देखा सर, किसी ने भी नहीं देखा प्रोटीन? नहीं देखा। जैसे कि कोई विटामिन देखा है किसी ने? किसी ने देखा है विटामिन, वो कहते हैं बी ट्वेल्व देखा है किसी ने? बिल्कुल नहीं देखा सर। कोई विटामिन नहीं देखा, कोई प्रोटीन नहीं देखा आपने, लेकिन बात उसी टर्म्स में कर रहे हैं, है ना? बात किस में टर्म्स में कर रहे हैं, जो देखा ही नहीं कभी, लेकिन जो बहुत प्रत्यक्ष है उसमें बात नहीं करते। मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, शरीर कहता है ना आपको, अरे मुझे कुछ ना तीखा खाने का मन कर रहा है, कुछ चटपटा हो जाए तो अच्छा रहेगा। आपका शरीर बोलता है मुझे क्या चाहिए, आप उसकी बात नहीं सुनते। आप प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट किसने देखा? कोरिलेट करते हो ना, अरे केले में ज्यादा है, चावल में ज्यादा है, इसमें ज्यादा, आपने कभी देखा ही नहीं कार्बोहाइड्रेट, है ना? ऐसी बातों को हम क्या कहते थे पहले यहां पे इस देश में, कहते थे अंधविश्वास। क्या कहते थे? अंधविश्वास। जो प्रत्यक्ष नहीं है उसमें अगर आप बात करेंगे तो हम कहते थे ये तो अंधविश्वास, आपने देखा नहीं, आपने विश्वास कर लिया। हाँ, तो हम अंधविश्वासी हो गए हैं ना ज्यादा, साइंटिफिक अंधविश्वासी बोलो ना, मैं ऐसा रखा हूं, साइंटिफिक अंधविश्वासी हैं हम। अब दूसरी बात, क्या आपको मालूम है आपका शरीर कोई भी प्रोटीन नहीं लेता? और अगर आप उसे प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं देंगे तो कार्बोहाइड्रेट और फैट से वो प्रोटीन बना लेगा, जरूरत होगी तो। अब मुझे बताइए, क्या आपको ये मालूम है? तो प्रोटीन की जरूरत आपके शरीर को होती नहीं है। अच्छा, फलों में ज्यादा प्रोटीन होता है या पत्तों में या टहनियों में? पत्तों में टहनियों में प्रोटीन ज्यादा होता है, तो आप वो क्यों नहीं खाते, फल क्यों खाते हो? घास में प्रोटीन ज्यादा होता है, तो वो क्यों खाते हो? क्योंकि मानव शरीर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, ये क्या करेगा, आप सो कॉल्ड प्रोटीन उसको अगर देते हो तो क्या करेगा, उसको तोड़ देगा, अमीनो एसिड्स में तोड़ देगा, उसके बाद अपना प्रोटीन खुद बनाएगा। अगर आप उसे बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं दो तो वो कार्बोहाइड्रेट और फैट में से चेन्स निकाल के प्रोटीन बना लेगा अपना।
आप जाके जरा पढ़िए, गूगल कीजिए, है ना, क्योंकि आप पुरानी बातें बोल रहे हैं। शरीर को प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, कम होती है, और ज्यादा प्रोटीन खाने पे क्या होगा, क्योंकि आप गलत प्रोटीन खा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड और हाइब्रिड है सारा कुछ, तो वो हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, यानी आपके पीछे छोटा मगज होता है ना, उसके नीचे हाइपोथैलेमस एक जगह होती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन सूजन पैदा करेगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में प्रोटीन के लिए एलर्जी होगी, और उसका नाम क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। प्रोटीन एलर्जी का नाम क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म लाना है क्या अपने शरीर में, थायराइड का मरीज बनना है तो प्रोटीन खाओ, खूब खाओ, थायराइड का मरीज बन जाएंगे, उसके बाद में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, फिर कैंसर होता है, या तो किडनी खराब होगी। प्रोटीन खाओगे तो किडनी तो बिल्कुल गिव अप करने वाली है कुछ समय में। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा एवरी ईयर। तो आपको प्रोटीन खाना है क्या? दूसरी बात है फैट। फैट तो आपका शरीर खुद ही बनाता है रिस्क से बचने के लिए, और नहीं, और 80% के आसपास फैट आपके शरीर का आपके शरीर ही बनाता है, वो कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं, वो बाहर से नहीं रहता। तो आप बाहर से बिल्कुल भी फैट नहीं लोगे तो भी आपके शरीर में फैट बनाएगा शरीर, आपका बॉडी, और बाहर से लोगे तो भी उसको बैलेंस करके रखे। बाहर से फैट लेने से आपका शरीर मोटा पतला नहीं होता, आपके रिस्क क्रिएट अगर अंदर कर दोगे तो वो फैट बढ़ेगा आपके शरीर का, क्योंकि वो फैट मिटिगेटिंग मैकेनिज्म है आपके बॉडी का, रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म, रिस्क को बचाने के लिए कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बॉडी बढ़ाता है जिससे कॉर्टिसोल बनाता है, कॉर्टिसोल एंटी रिस्क हार्मोन है, पर आप बनाने नहीं दोगे उसको, वो भी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए स्टैटिन आपको डॉक्टर दे देंगे खाने के लिए। ये बहुत गड़बड़ चीज हो रही है। तो प्रोटीन और फैट वाला हिसाब छोड़िए, इस तरीके से नहीं देखते। आपके शरीर को मालूम है कितना आपको भोजन करना है, क्या टेस्ट आपका डिमांड कर रहा है आपका शरीर, अगर उस पर भरोसा करेंगे तो वही जो खाएंगे वही दवाई है, मेडिसिन। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, सेंसिटिव बनाने के लिए अभी क्या करना, अगर कुंभक करेंगे तो आपका बॉडी सेंसिटिव हो जाएगा उसके लिए। हां जी प्रकाश जी बोलिए। सर मैंने ना 2 साल पहले एंजियोप्लास्टी करवाई थी, हाँ, और अभी मेरी लाइफस्टाइल इतनी फर्स्ट क्लास है ना कि मुझे फिर से श्वास का प्रॉब्लम होने लगा, तो मुझे डर लगता है कि फिर से ब्लॉकेजेस हो गया। हाँ, अगर आपको ऐसा ही लाइफस्टाइल रखना है तो कुंभक कर लीजिए और जैसा मर्जी लाइफस्टाइल करिए, नहीं होगा। ये जो ब्लॉकेज है ना, ब्लॉकेज है, थोड़ा सा झुकता हूँ घूमता हूँ तो श्वास फूल जाता है, तो मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा इसीलिए मैंने कहा आप अपना नंबर छोड़िए, कोई आपको कॉल करके आपसे बात करेंगे, क्योंकि हमारा ना ब्लड प्रेशर, हार्ट और ब्लड प्रेशर का भी प्रोग्राम होता है, तो हम देखेंगे आपके लिए क्या सबसे सूटेबल होगा, उस हिसाब से आपको प्रोग्राम पे डालेंगे। 1-2 स्टेंट किए हुए, 3 स्टेंट डाले हुए हमारे पास, बहुत लोग हैं जो कुंभक अच्छा कर रहे हैं। सर B29 मैंने ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी, आपका एक प्रोग्राम तो किया है मैंने ज्वाइन। कौन सा? अष्टांग का B129। हाँ तो अष्टांग करिए ना, फिर क्या है, कम से कम 6 महीना करो, उसके बाद कुछ सोचना। तो ये करने की जरूरत नहीं है ना मुझे अभी? नहीं ये करने की जरूरत, वो करिए, वो करिए, लेकिन वो रेगुलर करना पड़ेगा। वही तो प्रॉब्लम है, कभी अगर आपको यही लाइफस्टाइल चाहिए तो कुछ तो आप करना पड़ेगा ना उसके बैलेंस करने के लिए। सही बात है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी डेम्पो, मेधराज डेम्पो, मेधाज आवाज नहीं आ रही, नहीं आपने कुछ लगाया तो नहीं हुआ, प्लग इन तो नहीं किया कुछ माइक वगैरह के लिए, ईयर
ईयरफोन वगैरह। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी अभी आ रही है, बोलिए बोलिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस थिंग्स। आई वॉन्टेड टू आस्क वन क्वेश्चन रिगार्डिंग द आई साइट एंड माई थिंकिंग पावर विच इज आई थिंक फास्ट फास्टर देन वॉट आई एक्ट, सो हाउ टू एड्रेस दिस इश्यू। सो ऐसा क्या होता है कि इसको कहते हैं समान दोष। समान दोष, समान का मतलब क्या होता है? समान का मतलब होता है इवनली, इवनली बराबर मात्रा में। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ द बॉडी इज नॉट इवन, देन व्हाट विल हैपन? वेयर एवर इट इज लाइक फास्ट, देयर थिंग्स विल हैपन फास्टर। सो इट इज कॉल्ड एज वात दोष। व्हेन द समान और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ईदर इट बिकम्स लो, ईदर द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स लेस weak, then what will happen? Brain fog. Brain fog. When it increases more than necessary, then hyper activity, hyper thinking. So इसको control करने की जरूरत है ना। Now eyesight also has a relationship with samana. Now there are two problems that can happen with your eyes. See, मेरे जैसे बंदे के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इट इज एन एक्सीडेंटल आई, पूरा का पूरा कंपास घुस गया तो लेंस निकल गया, आप कुछ नहीं कर सकते। बट फॉर अदर पीपल देर आर टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम दैट दे फेस। ईदर द बॉडीज टेम्परेचर डजंट गेट रेगुलेटेड प्रॉपरली, बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो ठीक से रेगुलेट नहीं हो पाता। इसमें दो चीजें होती हैं। If it increases too much, then you'll feel hyperactivity, but inflammation in the body, sometimes burning sensation at some part of your body. तो ये पित्त दोष होता। यहां पे क्या होगा? The kapha factor in the eye, लालीपना आएगा आंखों में। Kapha factor यानी उसको जो protect करने का factor है, ज्यादा पानी आएगा, देन रेटिना डैमेज होता है उसके बिकॉज ऑफ मोर हीट। दूसरा क्या आएगा? ब्लॉकेजेस। दो तरीके की प्रॉब्लम आती है। दूसरा क्या आएगा? ब्लॉकेजेस, टीयर्स ठीक से नहीं, अंदर जो प्रेशर है ना, फ्लूइड है, वो प्रॉपर अमाउंट में रेगुलेट नहीं हो पाएगा। देन इट लीड्स टू व्हाट? डिविएशन ऑफ द आई लेंस, आई का लेंस एंड प्रेशर ऑन द रेटिना। उसकी वजह से क्या होता है? इसको कहते हैं ग्लूकोमा हो सकता है ना, ग्लूकोमा हो सकता है, हेजी विजन हो सकता है, खराब विजन जैसा हो सकता है, और फिर पानी आंखों में आना कम हो जाएगा, आंसू नहीं निकलते, लैक्रिमल ग्लैंड्स एक्चुअली डजंट वर्क प्रॉपरली, सो ड्राइनेस आनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस द डैमेज ऑन द अपर पार्ट ऑफ योर the eye, the white part, है ना, and even the central black part, है ना, cornea कहते हैं, ये dry होगा तो इस पर रगड़ खाएगा, रगड़ खाएगा तो tissue damage होगा। तो इस तरीके के आप बहुत तरीके के problems eye के हो सकते हैं, जिसको हम categorize कर सकते हैं, either the temperature balance is not there or the kapha factor has increased, there is not proper flow. दो ही चीज प्रॉब्लम होती है, फंडामेंटली दो ही प्रॉब्लम है। तो व्हाट वी डू, वी मेक यू फिल अप अ फॉर्म, थ्रू दैट यू डू, यू एक्चुअली डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंट अपॉन योर ब्रेथ एंड अदर थिंग्स, एंड देन वी एनालाइज व्हाट इज द रूट, व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम, एंड देन वी गिव यू सम कस्टमाइज प्रैक्टिसेस एंड चेंज योर प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस। तो हम वो पता करते हैं कि ये ब्लॉकेजेस वाला पार्ट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो ग्लूकोमा हो, चाहे वो ड्राइनेस ऑफ आई हो, चाहे प्रेशर बिल्ड हो जाता हो, चाहे वो लेंस के ऊपर जोर आ रहा हो, चाहे वो रेटिना के ऊपर जोर, चाहे वो आरडी हो, ये सब ब्लॉकेजेस की वजह से आता है। द अदर पार्ट इज इन्फ्लेमेशन इन द आई, विच इज हीट,
अगर हीट रेगुलेट नहीं होगा तो आपका आंख खराब होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज हीट से डैमेज होने लग जाएंगे टिश्यूज, लेंस भी डैमेज होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो बेसिक प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज द रेगुलेटिंग फैक्टर ऑफ कफ एंड पित्त? इट इज कुंभक। कुंभक करेंगे तो टेम्परेचर कंट्रोल का हो, टेम्परेचर आपका बढ़ सकता है, कम हो सकता है, मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं ज्यादा। कुंभक करेंगे तो आप प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर कफ को डिसॉल्व करता है। अगर कफ वाला पार्ट होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम प्रोसेस देंगे, अगर पित्त वाला पार्ट होगा तो हम उसको बैलेंस करने के लिए प्रोसेस देंगे। बट वो दोनों ही चीज कुंभक है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है वो कुंभक। तो कुंभक से यू कैन इंश्योर के ये प्रॉब्लम आगे नहीं, क्योंकि ग्लूकोमा जैसी चीज हो गई या प्रेशर आरडी हो गया तो उसका एक्चुअली कोई इलाज नहीं होता। आजकल क्या कर रहे हैं कि वहां पे जहां से वो फ्लूइड निकलना चाहिए वहां पे ब्लॉकेजेस है, वहां पे लेजर से उसको ओपन कर देते हैं, मगर टेंडेंसी आपके ब्लॉकेजेस की तो गई नहीं, वापस ब्लॉक हो जाएगा। तो इट्स अ लिटिल सपोर्ट, देयर इज नो एक्चुअली ट्रीटमेंट फॉर इट। कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट एक ही है कि ये जो डिविएटेड फैक्टर है इसको वापस आप बैलेंस कर लो। तो कुंभक से इसीलिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। सपोर्ट जो है अगर बहुत जरूरी हो तो बाहर से सपोर्ट लिया जा सकता है, लेकिन बाहर से सपोर्ट को ट्रीटमेंट समझने की गलती ना करें। बहुत जरूरत हो तो आप बाहर से ट्रीटमेंट ले लें, लेकिन वो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है। अंदर से जो आप अगर आप वो प्रकृति अपने शरीर का जो टेंडेंसी है उसको अगर आप खत्म करेंगे तो ट्रीटमेंट है, ठीक है जी। सो थैंक यू, विल एंड दिस वेबिनार दिस, हाँ ऐसे बोलते जाएंगे तो बोलते ही जाएंगे। तो विल एंड दिस वेबिनार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आपका बहुत बहुत आभार वेबिनार में आने के लिए, आपका आपकी आपका जीवन हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अभी किसी का क्वेश्चन अभी बाकी है अगर, सो प्लीज राइट इन। हैंड राइज किया है उसने। श्वेता सक्सेना। Yes, ma'am. Oh, we are very sorry. Actually, Swamiji had to move on to another webinar, so we could not answer your question. So you can ask the question either right now or right in the webinar group, and we'll get it answered. Okay. Ma'am, मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे कि बीपी है मुझे, मेरी कभी बीपी मेडिसिन लेने के बाद ऐसे नॉर्मल हो जाती है, बट अगर मैं मेडिसिन ना लूं तो मेरी बीपी 190 ऐसे 180 ऐसे रहती है। मेरा जो मेरा वॉक होता है वो भी, मैं वॉक वगैरह सब कुछ करती हूँ, और मेरा वैसा ईटिंग खाना भी वैसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं हैवी ले रही हूँ। जैसे स्वामी जी ने बोला कि आप थोड़ा 45 मिनट या ऐसे घूम सकते हैं या बैठ के घर में थोड़ा एक्सरसाइज, जो कुंभक का उन्होंने बताया, तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसे जानना था कि मैं, क्योंकि जो उन्होंने फीस वगैरह आई है वो मैं एफर्ड नहीं कर सकती, तो मुझे थोड़ा ऐसे नॉलेज बता दिया जाता कि मैं कैसे बीपी कम कर सकूं, या थोड़ा उस बारे में मुझे पूछना था स्वामी जी से। आप अपना नंबर छोड़ जाइए तो हम लोग आपसे बाद में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह से हम आपको थ्योरेटिकली बताएंगे और आप कर लोगे ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है वो प्रैक्टिकल आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ मैम, लेकिन बट मैं वो जो 5,500 का कॉस्ट है वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ तो वही हम बोल रहे हैं, आप अपना नंबर लिख जाइए, लिख डालिए और हम लोग कनेक्ट करेंगे आपसे। तो ये जो ग्रुप बना है उसमें डालना है या अभी यहाँ चैट बॉक्स में डालना? अभी आप डाल दीजिए, अभी आप डाल दीजिए। ओके, ये चैट में डाल दीजिए। हाँ, नाम और जो प्रॉब्लम है आप वेबिनार ग्रुप में ना, ये काम करिए, वेबिनार ग्रुप में लिख दीजिए कि प्लीज कनेक्ट विद मी, मेरे से कनेक्ट करिए, और श्वेता सक्सेना आपका नाम है ना? हाँ
हमारे टीम से कोई आपसे कनेक्ट करे, ठीक है? थैंक यू सो मच, गुड नाइट, स्टे वेल, स्टे हैप्पी. ओके, थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ, रचना बोलिए.